गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताओ फटाफट, सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कैसे हैं आप लोग। अच्छे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों का मैराथन का दूसरा पेपर शुरू होगा, ठीक है, और जल्दी से एक बार फिर से आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को जगा देना है जो लोग सोए हुए हैं, उन्हें बता देना है कि आप लोगों की क्लासेस मैराथन क्लास ओ लेवल की जो जुलाई 2022 में होनी थी, जो 22 अगस्त से होने वाला है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। जल्दी से आप लोग फटाफट एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो आंख खुलेगी तो सीधे सेंटर में जाओगे और फिर गड़बड़ हो सकता है। बात समझ में आएगी नहीं है? चलो बहुत अच्छी जी, हाँ ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर को, बात करते हैं आगे का। पासिंग मार्क्स 33% है भाई, 33% है, बहुत आसान है पास होना, टेंशन मत लो। एमसीक्यू क्वेश्चंस को पास करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें पहली चीज ना तो माइनस मार्किंग है और दूसरी चीज इसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है कि हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा मेहनत कम करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल आप मत करो, आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, नहीं तो उनको तो झटका लगने वाला है 11,000 वोल्ट का, 440 का आपको भी लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते, देखो कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है विच वन इज द इनवैलिड साइज ऑफ कैश मेमोरी। ये कह रहा है कि कैश मेमोरी का अमान्य आकार कौन सा है, 2048 केबी, 3072 केबी, 92162 केबी और 512 केबी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की देर है थोड़ा सा, ठीक है, बताओ मुझे। हाँ पहले का आंसर क्या होगा, देखो भाई कैश मेमोरी बहुत बड़ी मेमोरी नहीं होती है, पहली चीज तो जान लो, ठीक है। कैश मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, और जो भी मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है उसका साइज स्मॉल होता है, क्या होता है, साइज आपका स्मॉल होता है। तो 2048 के भी हो सकता है, 3072 हो सकता है, 512 हो सकता है, लेकिन ये 92162 92162, ये थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है मेमोरी हम लोगों को, और ये मेमोरी जो बड़ी लग रही है हम लोगों को यही आपका अमान्य होगा, यानी कि ध्यान रखना इस चीज को, ये अमान्य आकार जो है वो आपकी कौन सी मेमोरी है, वो है आपकी 92162, ये होगा इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका 3 होने वाला है। नेक्स्ट, Which one is not a type of memory? कौन सा एक प्रकार का मेमोरी नहीं है, जल्दी कमेंट करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रकार का मेमोरी नहीं है, जिसमें से सबसे पहला है वो है आपका रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरा है जॉयस्टिक, और चौथा है ईईपी रोम यानी कि इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक किसका एग्जांपल है भाई, याद करो सभी लोग, जॉयस्टिक हमारे इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, अगर कोई इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है तो आप जॉयस्टिक लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो थर्ड होगा वो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है और ना कि वो मेमोरी है,
तो इस वजह से क्या है, ये हमारा हो जाएगा आंसर तीसरा। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। देखो भाई बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की देर है हम लोगों को। अगर हमें समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन, अभी दो मिनट पहले ही हमने आपको कंप्लीट डिफाइन करा है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करा है समझने के लिए भाई। ठीक है, तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ऑक्सिलरी होगा या कैश होगा या वर्चुअल मेमोरी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है भाई, कैश मेमोरी होगा। ठीक है, कैश मेमोरी होगा, ध्यान रखना आंसर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा थ्री। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखना, अगर कैश के जगह या वर्चुअल कार्ड दें या ऑक्सिलरी कार्ड दें या सेकेंडरी कार्ड के, बस एक लिख दें कि रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी, तो जान लो कि ध्यान रखना इस चीज को हमेशा से कि आपकी रजिस्टर मेमोरी सही हो जाएगी और ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर रजिस्टर मेमोरी लिखा है तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लो कि कैश मेमोरी से भी ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। तो अगर कैश के बगल में अगर रजिस्टर भी दिया हुआ है तो आप कौन सा टिक करोगे बताओ भाई? तब आप रजिस्टर टिक करोगे। क्या करोगे? रजिस्टर मेमोरी को टिक करोगे और रजिस्टर आप यूज कर सकते हो। इतनी बात सुंदर से समझ में आई? हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, क्या होगा जल्दी बताओ? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, क्या होगा भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो आंसर होगा चौथे का वो तीसरा होगा। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग, ध्यान समझना, विच कंपोनेंट, सीपीयू में ही निम्नलिखित कितने घटक होते हैं? बहुत सुंदर है, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं ये भी आप देख सकते हो, ये भी आप जान सकते हो भाई, सीपीयू के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं बताओ, जल्दी बताओ, सीपीयू के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? चलो भाई कमेंट करो भाई, देखो कौन इसी में कह रहा है इनपुट आउटपुट होता है, एकदम लूला है काजी, इनपुट आउटपुट कहां से होगा, इनपुट आउटपुट कहां से होगा? चलो कोनो बात नहीं है, समझ लो, यहां पे अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें आपके पांचवें क्वेश्चन का, तो सीपीयू के हमारे तीन यूनिट होते हैं, कितने यूनिट होते हैं? तीन यूनिट होते हैं, बिल्कुल जी। चलो नेक्स्ट, एएलयू यूनिट कंसिस्ट सब्सक्रिप्शन नेमली, एएलयू कितने इकाई में उपखंड होते हैं बताओ? ये क्वेश्चन इतना सुंदर है कि आप सोचे नहीं थे और ये क्वेश्चन आ गया। छठवां क्वेश्चन बताओ, एएलयू कितने सब सेक्शन नेमली होते हैं? यहां पे हो जाएगा
अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ये दो चीज होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा टू। बात समझ में आई? यानी छठे का आंसर क्या होने वाला है? छठे का आंसर होने वाला है टू, यानी दूसरा नंबर। चलो बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फीचर ऑफ सीपीयू, निम्नलिखित में से सीपीयू की सही विशेषता बताइए। सीपीयू इज अ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑल ऑफ एबव। क्या होगा इसका आंसर? सातवें का आंसर क्या होगा जी, जल्दी बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक्चुअली सीपीयू में होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है, तो वही चीज यहां पे चार ऑप्शन दे रखा है। इन्हीं चार ऑप्शंस को आप एक बार देख लो अच्छे तरीके से, फिर मुझे बताओ। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑल ऑफ एबव। देखो सच्चाई यही है कि ये सारे काम करता है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है कि सीपीयू जो है आपका ये चारों काम, सॉरी तीनों काम ऊपर के करते हैं। बात समझ में आई? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक बार अपने शेयर फ्रेंड को जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो जो बच्चे सोए हैं वो जग जाएं और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर लें, ठीक है। चलो तो यहां पे आंसर एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन कॉमा डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। कौन सी इकाई निर्देश कॉमा डेटा और मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ऑल ऑफ द एबव। बहुत सुंदर क्वेश्चन, जल्दी बताओ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भाई, स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU करता है, या हमारा CU करता है, या SU करता है, या ऑल ऑफ एबव क्या करेगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जल्दी मुझे रिजल्ट बता दो फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी सभी लोग कमेंट करो भाई। आठवें का आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई, जल्दी कमेंट करो। देखो भाई यहां पे एक चीज ध्यान दो, पहली चीज तो इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है, दूसरी चीज डाटा भी स्टोर करना है, और तीसरी चीज एक मैटर भी है जिसका नाम है रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स, उसे भी स्टोर करना है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है कि जब ये सारी चीजें हम लोगों को स्टोर करना है तो इसको रखने के लिए हम लोगों को स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा थ्री। क्या होगा भाई? थ्री होगा। चलो दसवां क्वेश्चन। सीपीयू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। बताओ सीपीयू जो होता है वो सभी भागों को संचालन को नियंत्रित करता है। क्या सही बात है कि गलत बात है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या कैन बी ट्रू और फॉल्स होगा, या फिर कैन नॉट बी से होगा। ध्यान रखना इस चीज को। सीपीयू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ट्रू, फॉल्स, कैन बी ट्रू और फॉल्स, और कैन नॉट से। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ नौवें का। जल्दी कमेंट करो भाई। सबका आंसर आ रहा है ट्रू।
चलो बहुत अच्छी बात। ओके ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्रू होगा, क्योंकि सभी भागों को सम्मिलित करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन इज द परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस सच एज कंपेयरिंग सेलेक्टिंग मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ द डेटा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं ये कई बार पढ़ाया हूं आप लोगों को। ऐसा कौन सा सेक्शन है जो परफॉर्म करता है कंपेयर करने को सेलेक्ट करने को और मैचिंग को और मर्जिंग को? कौन करता है ये? अर्थमेटिक सेक्शन करता है, लॉजिक सेक्शन करता है, एबी करता है, या नन ऑफ एबव करता है? ये क्वेश्चन आंसर बहुत सुंदर है, मैं कई बार बता चुका हूं इसको कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपको ये बताता है कि हमें कंपेयर करना है या मैच करना है या उसे कॉपी करना है, ये कौन सा सेक्शन हम लोगों को बताता है? जल्दी कमेंट करो, सबके कमेंट्स आने चाहिए भाई। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत सुंदर ऑप्शन आंसर आ रहे हैं भाई, कि हमारा बी होगा। क्यों बी होगा? आंसर इसका बी होगा, पहले ये जान लो, यानी कि लॉजिक सेक्शन की बात कर रहा है। लॉजिक सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं, यानी मिलती हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसकी? इन तीनों चीजों की थोड़ी सी। अर्थमेटिक सेक्शन में क्या मिलता है भाई? अर्थमेटिक सेक्शन में हमारा प्लस माइनस इनटू और डिवाइडेशन मिल जाता है। वहीं लॉजिक सेक्शन की बात करें हम लोग, तो लॉजिक सेक्शन में आपका मिल जाएगा कंपेयर, कॉपी, मर्ज, ये सारी चीजें आ जाती। और ए बी की तो बात ही कर लो, बात ही ना करो। कहने का मतलब क्या है कि एकदम इजी टास्क है हम लोगों का, एकदम इजी टास्क है। यहाँ पे बस हम लोगों को थोड़ी से समझने की देर है कि हमारा क्या है। अर्थमेटिक आता है प्लस माइनस इनटू डिवाइडेशन में, लॉजिक आता है आपका कंपेयर कॉपी मर्ज करने में। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। आपने ए एल यू का नाम कई बार सुना होगा, उसी ए एल यू की बात हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, आ रहा हो तो ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ और डूब के निकल के फिर आओ तब बताओ। कंप्यूटर का दिमाग कौन है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू और मेमोरी। कंप्यूटर का दिमाग कौन है जल्दी बताओ। हाँ चलो भाई, सबका आंसर एकदम चकाचक आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो दुनिया जानती है, बच्चा का बच्चा भी जानता है इसको, कि ये हमारा होता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका आंसर होगा इसका। बात समझ में आ गई? इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, कॉजिंग द सीपीयू टू स्टेप थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इज कॉल्ड। सीपीयू को माइक्रो ऑपरेशन की एक श्रृंखला के माध्यम से कदम उठाने के लिए क्या कहा जाता है जल्दी बताओ। एकदम बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सीपीयू को माइक्रो ऑपरेशंस की एक श्रृंखला के माध्यम से कदम उठाने के लिए क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूशन, रूटीन, ये पाइपलाइन एंड सीक्वेंसिंग। इसका आंसर क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन जरा सा घुमाया गया है तो बहुत सुंदर क्वेश्चन, लेकिन जरा सा घुमाया गया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। सीपीयू को माइक्रो ऑपरेशन की श्रृंखला की बात कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन, रूटीन, पाइपलाइनिंग एंड सीक्वेंसिंग क्या होगा आंसर? बराबर का
बिल्कुल सही आंसर है, सीक्वेंसिंग होगा। सबका आंसर एकदम चकाचक एकदम धगाधग आ रहा है, तो क्या होगा हमारा आंसर जो है सीक्वेंसिंग होगा, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। OS does not boot itself when a system is, भैया ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, OS मतलब क्या होता है, OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और कुछ ना समझ लेना। कब, जब सिस्टम क्या होता है तो OS खुद बूट नहीं करता, यानी OS खुद जो है अपडेट नहीं करता सिस्टम, ऐसी कौन सी समस्या होती है, शटडाउन हो जाता है, रीसेट हो जाता है, या पावर्ड ऑन होता है, या रीस्टार्ट होता है, बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि इतना सुंदर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। हाँ चलो बहुत अच्छी बात, तेरा हमें का आंसर क्या होने वाला है, अरे यार कॉमन सी बात है भाई, रीसेट करेंगे तब भी ले लेगा, पावर ऑन रहेगा तब भी ले लेगा, रीस्टार्टेड रहेगा तब भी ले लेगा। तो हमारा जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है शटडाउन, जब हमारा शटडाउन रहेगा तभी नहीं लेगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, जब हमारा शटडाउन रहेगा तभी नहीं लेगा, नहीं तो ले लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डज उबंटू नीड एंटीवायरस, उबंटू क्या होता है पहले ये बताओ, सबसे पहले हमें ये बताएंगे आप कि ये उबंटू होता क्या है, व्हाट इज उबंटू, ये होता क्या है, जल्दी बताओ कमेंट करो, उबंटू क्या है जल्दी कमेंट करो भाई। बिल्कुल सही बात है, उबंटू हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है ये, एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है कि नहीं, अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे, हाँ या ना, पढ़ भी सकती है या नन, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी कमेंट करो, हाँ पढ़ती है या नहीं मेरे भाई। मैंने आपको बताया है एक चीज, आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद होगा तो, इसे नहीं पढ़ती है, क्यों नहीं पढ़ती है, क्योंकि ये जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल ओएस होता है, बात समझ में आई, क्या होता है ये हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल ओएस होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस वजह से उसको जरूरत नहीं होती है किसकी, एंटीवायरस की। अब कोई भी चीज है, जब हम ही हैं जब बहुत ज्यादा पावरफुल रहेंगे तो हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही सबसे भिड़ के आगे निकल जाएंगे, जीत सकते हैं, तो हमें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हमें सिक्योरिटी की जरूरत तब नहीं पड़ती है जब हम बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उसी तरीके से सबसे ज्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उबंटू माना जाता है, उबंटू जो है वो इतना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है कि उसे एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है, इसे क्या है, एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे भाई। Which of the following is an example of operating system, system software? कौन सा इसमें से system software का example है? बताओ, कौन सा इसमें से system software का example है? कौन बताएगा?
सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? लो भैया इतना सुंदर क्वेश्चन है, 15 नंबर, इसका आंसर जल्दी बता दियो। ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लोडर का है, लिंकर का है, या ऑल ऑफ द एबव का है, किसका है? 15 नंबर बताओ। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द एबव का है। कारण क्या है कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद होगा मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो मैंने बताया था डायरेक्टली कनेक्टेड टू हार्डवेयर। क्या बताया था? डायरेक्टली कनेक्टेड टू हार्डवेयर। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम से यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टिविटी बनाता है। तो इस वजह से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तो डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड ही होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर आ जाता है, लोडर भी आ जाता है, लिंकर भी आ जाता है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी कि ये हमारा आंसर होने वाला है। लिख लो भाई, 15वें नंबर का आंसर हमारा फोर्थ होगा। क्लियर हो गया डेटा? किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिनक्स इज एन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, देखो यहां पे क्वेश्चन में दो है टास्क, लिनक्स एक क्या है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला है मल्टी यूजर है, सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, ऑल ऑफ द एबव। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर आप लिनक्स की पढ़ाई किए हो, अगर आप लिनक्स की पढ़ाई किए हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आई? आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन तब जब आप लिनक्स को थोड़ा सा पढ़े हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो डिस्टरबेंस होने वाला है, टेंशन ना लो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर 16वें का? देखो भैया, अकॉर्डिंग टू मी मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होता है। कारण क्या है कि जो हमारा सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग यूनिक्स में हो जाएगा, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग यूनिक्स में हो जाएगा, तो ये दोनों होने वाला नहीं। ये तो ये दोनों हमारा यूनिक्स का है, ये भी दोनों यूनिक्स का है, हमें बात करना है लिनक्स की। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। क्या होगा भाई? मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये आपका इस कंडीशन पे चलता है, इस कंडीशन पे काम करता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर द डॉट इन द वेब फाइल? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सेल एक्सटेंशन क्या है? वर्ल्ड फाइल की बात कर रहा है, सॉरी वेब फाइल की। वेब आप जानते हो बहुत अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ये जो हमारा वेब है इसकी बात कर रहा है। तो क्या लगता है? जी HTML लग जाता है, HTML लग जाता है, और HTM लगता है, .com लगता है, या XHTML लगता है? क्या लगता है हमारा, जल्दी बताओ। देखो, अब वेब फाइल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरनेट में आपको जाना पड़ेगा, बिना इंटरनेट की कहानी यहां होने वाली नहीं है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? GTML होगा, HTML, HTM.com या XTML। 17वें का आंसर क्या होगा? सब लोग बोल रहे हैं दूसरा। ठीक है, चलो भाई सही बात है, दूसरा HTML और HTM लगता है। बात समझ में आई? क्या होता है हमारा? या तो HTML और HTM लगता है। क्लियर हो गया? ये हमारा होगा 17वें का आंसर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहां पे हो जाएगा विंडोज, लाइनेक्स, ओरकल या डॉस। कौन सा होने वाला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? जल्दी बताओ कमेंट करके। बहुत अच्छी बात है, हो एकदम टकाटक आंसर आप लोग मार रहे हो। 18वें का होगा तीसरा। चल भाई मान लिया हमने 18वें का होगा तीसरा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो 19 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस? डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? डॉस की बात कर रहा है, ध्यान रखना बच्चा, ये डॉस की बात कर रहा है, अधिकतम लंबाई की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 4, 5, 8 या 12? 19 नंबर, जल्दी बताओ। उन्नीस नंबर का आंसर बताओ जल्दी फटाफट सभी लोग। हाँ भाई, अरे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो भाई, इसमें काहे आप लोग लेट कर रहे हो। इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, यानी 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। Keys used to align left of the text in the LibreOffice. LibreOffice से questions आने लगे। कह रहा है कि कौन सा key used होता है align left of the text in LibreOffice? Office writer, writer के अंदर। जल्दी बताओ। Control plus M, Control plus P, Control plus L, Control plus O। जल्दी comment करो भाई। जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होने वाला है? क्या हुआ तेरा वादा? कंट्रोल प्लस एल। अब देखो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे, आप प्ले स्टोर पे मोबाइल में जा करके यूनिक ग्रुप ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, UNIQUE यूनिक ग्रुप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐसी बहुत सी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी उसमें। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सी चीजें जैसे हमारे कुछ पेपर्स मिल जाएंगे आपको, साथ में ही आपके ये शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे, कुछ क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, तो ऐसे टेंशन की बात नहीं है। समझ गए? टर्बो सी प्लस प्लस जो भी लैंग्वेज आप जानते हो सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं ऐप में। चलो 21 नंबर, कौन सी की यूज्ड करती है राइट अलाइजन ऑफ द टेक्स्ट इन द लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में राइट अलाइजन के लिए कौन सी की एग्जिस्ट करती है? जल्दी बताओ। 21 नंबर, राइट अलाइजन क्या? देखो राइट की बात कर रहा है तो R जो भी मिल रहा R से कोरिलेट कर दो, तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस R। लो द
दैट्स ऑल, क्योंकि राइट एलाइजन की बात कर रहा है. अब जहां पे राइट आ रहा है वहां पे आप आर ढूंढ सकते हो, लेफ्ट आ रहा है एल ढूंढ सकते हो. ठीक है, चलो 22. इन द लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू जस्टिफाई द डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, जल्दी बताओ. किसी भी डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस आर, क्या होगा जल्दी बताओ. 22 नंबर. अब भैया जस्टिफाई है ना, का हो का है जस्टिफाई है, तो हम अगर कुछ जुगाड़ो लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा. कैसे चल जाएगा? जे से. बात समझ में आई? यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस जे लिख देंगे तो हमारा आंसर एकदम सुंदर सा बढ़िया सा आ जाएगा. बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं. मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस, मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या है? 6, 3, 2, 1, 0. क्या होगा? सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज हमारे लिब्रे ऑफिस के राइटर में क्या होता है, जल्दी कमेंट करो. जल्दी बताओ भाई. कुछ लोग 1 बता रहे हैं, कुछ लोग 6 बता रहे हैं, तो हम क्या बताएं? कुछ लोग 1 बता रहे हैं, कुछ लोग 6 बता रहे हैं. चल भैया मैं 6 मान लेता हूं. यानी जो 23 का आंसर है वो क्या है? 1. यानी ये क्लियर हुआ, ये आपका 23 का आंसर होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. कीज यूज टू एग्जिस्ट एप्लीकेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर. हमें लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, जल्दी बताओ. कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एफ वन, कंट्रोल प्लस क्यू, जल्दी बताओ. बहुत अच्छी बात है. क्या होगा 24 का? कंट्रोल प्लस क्यू. ठीक है, चलो सबका आंसर एकदम चकाचक आ रहा है तो हमें का लेना देना है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी यही मान लेते हैं. ले भैया आंसर खटाखट, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलो. Which is the type of page orientation in the LibreOffice writer? जल्दी बताओ. LibreOffice writer के अंदर page orientation की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? Page orientation की बात कर रहा है. तो क्या होगा? Protent होगा, landscape होगा, slide होगा या both होगा? बताओ. जल्दी बताओ. क्या होगा? Protent होगा, landscape होगा या फिर स्लाइड होगा या हमारा दोनों होगा? 25वें का आंसर क्या होगा? पच्चीसवें का आंसर हमारा क्या होगा? अरे वाह जी, सबका आंसर सही आ रहा है. अब सही बात है भाई, अगर देखा जाए सच्चाई हम लोग तो हमारा जो ओरिएंटेशन होता है इसमें दोनों आते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ होगा, जिसको हम लोग कहते हैं आपका प्रोटेंट एंड लैंडस्केप. बात समझ में क्या हो जाएगा? प्रोट्रेट हो जाएगा और आपका लैंडस्केप हो जाएगा, यानी हमारे 25वें का आंसर यही होने वाला है. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेलिंग चेक. कौन सा
फंक्शन की हमारे स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज किया जाता है? बताओ, आप सेवन की बात कर रहा है, कंट्रोल प्लस सी की बात कर रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट की बात कर रहा है, या कंट्रोल प्लस एफ सेवन की बात कर रहा है? जल्दी बताओ। किसकी बात कर रहा है ये? सारे लोग मार रहे हैं एफ सेवन। चल भैया, हम भी मान लेते हैं एफ सेवन, ठीक है। यानी कि जो हमारा आंसर होने वाला है इस पे, वो क्या होने वाला है? एफ सेवन होने वाला है। तो एफ सेवन हमारा क्या है? हमारा फंक्शन की है जो स्पेलिंग चेक करने के काम में आता है। नेक्स्ट, शॉर्टकट की यूज फॉर मैनेज टेम्पलेट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं ये टेम्पलेट को मेंटेन करने के लिए? बताओ। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, या नन ऑफ द एबव? क्या होगा 27 का आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर आपका। यानी कि 27 की बात करें तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो 2 है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। और सभी मित्रों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान श्री कृष्ण से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करेंगे हम कि हमेशा आप लोगों को खुश रखे, मस्त रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे, और अब आप जिस चीज को भी पाना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। और सभी लोग जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करिएगा, और हमारे कान्हा को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा, ठीक है? हैप्पी बर्थडे कान्हा। तो आज कान्हा जी का जन्मदिन है, और आप लोग उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है? हाँ, हाँ, जिसका भी फास्टिंग है बहुत अच्छी चीज है, जिसका फास्टिंग नहीं है वो मन से फास्ट रहे। हाँ, लड्डू गोपाल जी को हैप्पी बर्थडे, श्री कृष्ण को हैप्पी बर्थडे, कान्हा को हैप्पी बर्थडे, ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग जरूर एक बार भगवान श्री कृष्ण को याद करिएगा। चलो, 28 की बात करें, लिब्रे ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्या लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ या ना, जल्दी बताओ। लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हाँ या ना? हाँ भैया, हाँ, इसलिए हाँ क्योंकि लिब्रे ऑफिस को जब चाहो इंस्टॉल कर लो, जब चाहो अनइंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो नेक्स्ट, फॉन्ट साइज कैन नॉट बी चेंज इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम लोग फॉन्ट साइज चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ या ना, बताओ, हाँ या ना, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं कि नहीं? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है? हाँ, फॉन्ट साइज की बात कर रहा है ये, तो कैन नॉट बी चेंज इन द लिब्रे ऑफिस राइटर, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं, फाल्स होगा। क्या होगा आंसर हमारा?
फॉल्स होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट क्या होगा? ODS, XLX या ODP या ODT क्या होगा जी हमारा? जल्दी कमेंट करो क्या होगा। तीसवा, हाँ भाई बताओ क्या होने वाला है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ODS होगा। क्या होगा? ODS होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल इन द कैल्क स्प्रेडशीट? मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर इन वन सेल इन द कैल्क स्प्रेडशीट, कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर मैक्सिमम नंबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। अच्छा, एक आवर पहले आपने देखा हम कहीं जा रहे थे भाई, एक आवर पहले तो हम कहीं नहीं जा रहे थे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टीचरों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो क्या होगा आंसर 31 का? बिल्कुल सही आंसर हमारा फर्स्ट होगा 32,767, यानी क्या होगा हमारा आंसर पहला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी स्प्रेडशीट ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट? कितनी स्प्रेडशीट होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर डिफॉल्ट में? 2, 3, 1, 0। 32 नंबर, दो तीन एक जीरो क्या होगा? हाँ क्या होगा भाई 2, 3, 1, 0? बिल्कुल सही आंसर है, तीसरा होगा एक। 10 तो थोड़ी होता है, एक होता है। दस नहीं होता है, सिर्फ एक होता है, ध्यान रखना, दूसरा कोई नहीं होता। 35 नंबर, व्हाट विल बी रिजल्ट फ्रॉम एडिंग A1 प्लस A2 इन कैल्क? A1 प्लस A2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है बताओ? A1 प्लस A2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? अरे वाह रामधन राम जी बता रहे हैं 0, 4th का, बहुत अच्छी बात है भाई। हमको लगता है एक्सेल और कैल्क वैल खोल के बैठते हो तुम लोग, कोई टेंशन नहीं, मार साहब पूछे तो हम आंसर फटाफट प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि नहीं भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, 4th होगा। 34, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल पर स्प्रेडशीट इन कैल्क? मैक्सिमम नंबर सेल का स्प्रेडशीट कैल्क में क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? एक बार ध्यान से देखो।
34 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर भाई, सबसे पहला नंबर कौन बता रहा है? ये प्रियंका जी बता रही हैं, प्रियंका प्रियदर्शनी, ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? पहला होगा, नोट कर लो। वैसे इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा क्लास ओवर होते ही, ठीक है? ओ लेवल विथ रत्नाकर सर आप ढूंढ सकते हैं, टेलीग्राम पे चैनल है जिसपे आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलो आगे, हाँ ये कह रहा है अ फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, क्या होगा जल्दी बताओ? एक फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियां होती हैं जिनका उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? ऑटो स्टाइल, टेम्पलेट, विजार्ड, प्री फॉर्मेटिंग, क्या होगा? 36 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? अरे यार, जो पहले से दिया होता है वर्ड एक्सेल में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को, ठीक है, वो टेम्पलेट्स में आता है। किसमें आता है? टेम्पलेट्स में आता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या होगा 36 का? टेम्पलेट्स, यानी कि दूसरा, ठीक है। हाँ, जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए फीस से रिलेटेड भी या क्लासेस या बैच से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे आप कॉल करके कॉन्फर्मेशन जानकारी ले सकते हो। मेल एक्सेस विद क्लाइंट व्हेन यूजर नीड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द, जल्दी बताओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मेल एक्सेस विद क्लाइंट When user need to download email from the, कहां से डाउनलोड होगा भाई? मेल होस्ट, मेल सर्वर, मेल बॉक्स या इंटरनेट, जल्दी बताओ कहां से डाउनलोड होगा? हाँ चल भाई, दो नंबर, मेल सर्वर से, कहां से होगा? मेल सर्वर से, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, कहा है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, आईपी एड्रेस, ब्राउजर। तो भैया सब जानते हैं ब्राउजर होता है, बताने की जरूरत बहुत ज्यादा इसको नहीं है, ठीक है। मल्टीपर्पज इंटरनेट ईमेल एक्सटेंशन माइम वॉज डेवलप्ड, बहुत देसी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन माइम विकसित किया गया था। कब किया गया था भाई? टू सपोर्ट ईमेल मैसेज कंटेनिंग टेक्स्ट एंड वीडियो के लिए, टू सपोर्ट ईमेल मैसेज कंटेनिंग टेक्स्ट कॉमा ऑडियो एंड वीडियो के लिए, टू सपोर्ट ईमेल मैसेज कंटेनिंग ऑडियो एंड वीडियो के लिए, या टू सपोर्ट टेक्स्ट बेस्ड ईमेल मैसेज, क्या होगा? 39। देखो भैया, ये टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो तीनों के लिए किया गया था, तो इसमें तीनों में कौन सा दिया हुआ है? ये आपका दूसरा है ना, इसमें टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है और वीडियो भी है, तो यानी कि जो आंसर होने वाला है इसका दूसरा होने वाला है। इन तीनों के लिए इस्तेमाल किया गया था, ध्यान रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। इंडिकेट कॉपी ऑफ द मैसेज वेयर सेंड द एडिशनल पीपल, द रिसिपिएंट डज नॉट नो द मैसेज हैज बीन सेंड टू अनदर, इंगित करना, इंगित करता है कि संदेश की प्रतियां अतिरिक्त लोगों को भेजी गई थी, प्राप्तकर्ता नहीं जानता कि, बताओ भाई इंग्लिश में पढ़ो इसको, थोड़ा ये गलत लिख गया है, टाइपिंग को छोड़ो, ठीक है,
लास्ट है क्वेश्चन गड़बड़ करना था, ठीक। चलो भाई, हाँ क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताओ। URL CC end या फिर BCC, क्या होगा आंसर? भाई इसका आंसर होने वाला है BCC, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ध्यान रखना इस चीज को, यही आंसर होने वाला है। चलो बहुत अच्छी बात है। और अब वेब डिजाइन, नितिन सर आप क्या आ रहे हैं, ठीक है, और फटाफट रेडी हो जाओ, घड़ी से देख के एक मिनट के अंदर सर आ रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। मैराथन क्लास के लिए मैं हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही होगी बेटा। चलिए आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बच्चों वेब का पेपर स्टार्ट करते हैं। वॉइस नहीं आ रही बच्चे, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस तो आ रहा होगा बच्चा, बोली भाई आ रहा है, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं बिना देर किए, वेब डिजाइन से शुरुआत करेंगे, फिर पाइथन और सबसे आखिरी में आईओटी का सेट शुरू करेंगे। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, लेट स्टार्ट, क्योंकि लंबा सफर है अभी आपका। सेट को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। चलिए प्रश्न नंबर वन, चलो भाई नमस्कार सभी लोगों को। आयुष जी नमस्कार,
रागिनी और कौन कौन है भाई, विशाल, ब्रजेश, पप्पू, सभी लोग, दीप्ति, जितने भी लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया आप सभी को नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल टाइप्स इज जनरली एसोसिएटेड विद दैट लीनियर बस टोपोलॉजी। लीनियर बस टोपोलॉजी में कौन सा केबल आम तौर पे जुड़ा होता है, ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों, ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। आइए समझने की कोशिश करिए, टोपोलॉजी क्या होता है आप जानते हैं, नेटवर्क्स में नोड्स को कैसे अरेंज करते हैं, इसी को टोपोलॉजी कहते हैं। और कौन सा केबल, देखिए अनशेडेड ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल या टेलीफोन केबल, तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला जो केबल है बच्चों, वो आपका कोएक्सियल केबल है, एक ऐसा केबल जो सबसे पॉपुलर है। तो इसका आपका आंसर होगा बच्चों तीसरा, द कोएक्सियल केबल इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। एरर डिटेक्शन एट डेटा लिंक लेयर इज अचीव्ड बाय, देखिए कम्युनिकेशन में होने वाली एरर्स को पता लगाना है और डेटा लिंक लेयर पर उसको पता लगाना है, तो कैसे पता लगाओगे, कौन सा कोड यूज करोगे? पैरिटी कोड यूज होता नहीं, हैमिंग कोड यूज होता नहीं, इक्वलाइजेशन होता नहीं, तो आपका सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी कोड आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर टू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर तीन पे आइए, इंटरनेट पर कौन सा आईपी का वर्जन प्रेजेंटली सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है? देखिए IP1 कोई वर्जन है नहीं, IPv6 है पॉपुलर, लेकिन आने वाले वक्त के लिए है, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। तो आज के डेट में IPv2 यूज हो नहीं रहा है, तो कौन सा यूज हो रहा है? IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो आपका इस प्रश्न नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर होगा IPv4। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज इंटरनेट, बताओ इंटरनेट क्या है, आप लोग बताइए, क्या एक सिंगल नेटवर्क है, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? वैसे तो इंटरनेट को एक शब्द से डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या होता है बच्चों? नेटवर्क होता है नेटवर्क्स का। तो देखिए ए सी और डी तीनों नहीं हो सकते, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी, कि इंटरनेट इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। आपका इंटरनेट बहुत बड़ा कलेक्शन है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन है, कैसे, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स का, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से चलने वाले नेटवर्क्स का। प्रश्न नंबर 5, नोटपैड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो बताओ शॉर्टकट क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 आप लोग बताइए, नोटपैड में बच्चों किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, क्या ऑप्शन यूज होगा? कंट्रोल ओ होगा नहीं, ओपन होता है, एन होगा नहीं, नया डॉक्यूमेंट बनता है, एस होगा नहीं, सेव होता है, दुनिया जानती है कि बच्चों कंट्रोल पी होगा, तो इसमें बिना देर किए आप करेक्ट आंसर लगा लीजिए, कंट्रोल प्लस पी। तो आपका प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो नोटपैड में फाइल को सेव करने में यूज होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेव करना है आपको, सेविंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने अपनी फाइल को बना लिया, यूज किया बट सेव ना किया, तो फिर लाइट चली गई,
या दोबारा आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो हार्ड डिस्क पर जाकर स्टोर नहीं हुआ रहेगा। तो बताइए किससे सेव होगा? कंट्रोल ओ से होगा नहीं, एन से होगा नहीं, सी से होगा नहीं। आपका जो सेव होगा बच्चों वो सेव होगा किससे? कंट्रोल प्लस यस से। सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग सही आंसर्स दे रहे हैं। इनमें से कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस में? सब लोग बताइए कौन सा शॉर्टकट है जिसके थ्रू फाइल्स को ओपन करते हैं? कंट्रोल ओ है या कंट्रोल एन है, कंट्रोल यस है या कंट्रोल सी है? कॉपी सेव न्यू ओपन ओ से होगा। ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो गया पहला। हमें नोट पैड में व्हाट शुड बी क्लिक टू ओपन ए प्रीवियसली सेव्ड फाइल व्हाइल वर्किंग विथ नोट पैड एप्लीकेशन? बताइए पहले से सेव की गई फाइल को खोलने के लिए क्या क्लिक करोगे? प्रश्न नंबर 8। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ओपन करोगे बच्चों, ओपन करोगे या न्यू पे जाओगे या एग्जिट पे जाओगे या सेव? ए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ओपन करेंगे पहले से कोई भी बनी हुई फाइल है तो आपको अगर खोलना है तो बच्चों ओपन करोगे। आइए आइए नेक्स्ट आते हैं। कौन सा टैग आपके वेब पेज पर एक क्षैतिज लाइन बनाता है? बताइए सब लोग, आपके सामने है प्रश्न नंबर, अच्छा प्रश्न है 9। आपको आपको वेब पेज में एक लाइन बनानी है, वो भी हॉरिजेंटल। हिंदी में लिखा है क्षैतिज, अंग्रेजी में होता है हॉरिजेंटल। तो कौन सा टैग यूज होगा? एचआर लाइन या लाइन डायरेक्शन या टीआर? देखिए ए 2 3 4 ऐसा कोई टैग एचटीएमएल में होता ही नहीं। आपको यूज करना है एचआर। एचआर क्या है बच्चों? एचआर तुम्हारा हॉरिजेंटल रूल, हॉरिजेंटल रूल आपका ये टैग है जिसके थ्रू हम लोग एचटीएमएल में लाइन या जो भी आप पट्टा जो भी कह लीजिए उसको क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 9 का। प्रश्न नंबर 10 पे आइए। व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट? जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 10वां, पहला कौन सा टैग होगा? HTML का प्रोग्राम लिखते हैं आप, व्हाट इज द फर्स्ट टैग? हेड, टाइटल, HTML या डॉक्यूमेंट? हेड होगा नहीं, सबसे पहले क्या लिखते हो? HTML, उसके अंदर हेड, टाइटल और फिर बंद होता है और फिर बॉडी। तो आपका 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 10वें का तुम्हारा सही आंसर होगा 1, यानी पहला। 11वें प्रश्न पे आइए। What should be the last tag in any HTML document? जरा बताओ, बहुत अच्छे प्रश्न है। Last tag आपका क्या होता है? अगर HTML open होता है तो बच्चों container tag है, close भी होगा। तो बताइए क्या ये होगा? नंबर 2, 11वें का last tag /HTML is the करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 2 इसका बच्चों सही होगा। बिल्कुल बिना समय गवाए आगे बढ़ाते हैं कोर्स को, पेपर को। आपको अगर HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट, व्हाट यू रिक्वायर? इनमें से क्या चाहिए बताइए? वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, हाई पावर्ड कंप्यूटर चाहिए, नोट पैड केवल चाहिए या नन ऑफ दीज? 12वां प्रश्न नंबर 12। अगर आपको एक नया वेब पेज बनाना है तो क्या चाहिए? कोई वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई हाई पावर्ड मशीन नहीं, कोई सामान्य मशीन होगी तब भी चलेगा। बस आपको चाहिए क्या? एक नोट पैड। नोट पैड माने टेक्स्ट एडिटर। कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर बच्चों आपको मिल जाए। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। नोटपैड प्लस प्लस मिल जाए,
नोटपैड मिल जाए, ब्रैकेट मिल जाए, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मिल जाए या कुछ अन्य मिल जाए, वीएस कोड मिल जाए, कोई भी एडिटर मिल जाए, आप पेज को क्रिएट कर लोगे। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 12 से हम लोग 13 की ओर आते हैं। ये देखिए, स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूज्ड टू प्रेजेंट कंटेंट्स, जरा बताइए। 13वां प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सोच के बताइएगा। स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड, स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड क्या होता है बताओ? एचटीएमएल में किसे आप स्पेशल, नोटपैड प्लस प्लस एडवांस टेक्स्ट एडिटर है दीप्ति जी, नोटपैड प्लस प्लस आपका एडवांस टेक्स्ट एडिटर है कंपैरेटिवली नोटपैड के, बताइए स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपको। बच्चों आप एक चीज जान लीजिए, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ा है तो यहां यम का मतलब होता है मार्कअप। क्या मतलब होता है? मार्कअप करना। मार्कअप का मतलब क्या है? ब्राउजर को बताना, बच्चों ब्राउजर को बताना। नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में दीप्ति जी मैंने कहा नोटपैड प्लस प्लस इज एडवांस कंपैरेटिवली टू नोटपैड। नोटपैड में लिमिटेड फीचर्स है, नोटपैड प्लस प्लस बहुत ही एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जिसमें कि टैब्ड ब्राउजिंग की फैसिलिटी है, ऑटो कंप्लीट है। नोटपैड आपकी कम से कम 40 तरह की लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, बाकी इससे डिटेल ज्यादा यहाँ पे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए। एचटीएमएल में यम का मतलब है मार्कअप। आप ब्राउजर से कहते हैं कि हमारे टेक्स्ट को, हमारे टेक्स्ट को ऐसे डिस्प्ले करो। कैसे कहते हैं? किसकी मदद से कहते हो? टैग की मदद से कहते हो, और टैग को आप एंगल ब्रैकेट में डालते हैं। और बच्चों टैग जो तुम्हारा होता है वो आपका, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में, बच्चों आप चाहे कैपिटल में लिखो आप चाहे स्मॉल में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, तो इस प्रश्न का आंसर आपका, आपको क्लियर है, 1 नंबर होगा। इससे ज्यादा समय ना दे क्योंकि अभी बहुत बड़ा सफर बाकी है। जरा देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने है, बच्चों इसको देखना। इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स द टैग्स, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जो तुम्हारे टैग्स होते हैं बच्चों, शुड बी रिटन इन अपर केस। क्या आप उसको अपर केस में लिखेंगे हमेशा? शुड बी रिटन इन लोअर केस, क्या हमेशा लोअर केस में होगा? शुड बी रिटन इन प्रॉपर केस, या आप उसको अपर और लोअर किसी भी केस में लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने पीछे बताया कि केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो चाहे प्रॉपर में लिखो चाहे सब मिक्स कर दो, खिचड़ी बना दो, चलेगा। तो 14वें का करेक्ट आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 15, बताइए लार्जेस्ट हेडिंग का कौन सा टैग है एचटीएमएल में। 15वां प्रश्न पे पहुंच चुके हैं हम लोग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग मेरे बच्चों यूज होगा? प्लीज, हेड होगा, H6 होगा, हेडिंग होगा या H1 होगा? लार्जेस्ट कह रहा है ना, तो सबसे बड़ा आपका होता है H1 और सबसे छोटा होता है आपका H6, जानते हैं आप। तो 15वें का करेक्ट आंसर होगा 4। HTML है, क्या है बताओ? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहिए। आप सबको मालूम है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 16वें प्रश्न का आंसर हो गया दूसरा सही होगा। 17वें पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सब लोग बताइए
इनमें से कौन सा सीएसएस सिलेक्टर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है, टैग, आईडी, क्लास या चौथा? बताइए प्रश्न नंबर कौन सा है ये? 17वां प्रश्न का क्या आंसर आपके हिसाब से बच्चों सही होगा? सब लोग बताओ, एनीवन? आप 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं क्लास। तीसरा क्यों बच्चों? क्योंकि क्लास की मदद से आप एक क्लास को बनाकर और उस क्लास में जो भी सेटिंग्स है उनको मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या मिलता है? समय और एफर्ट दोनों की बचत होती है। तो इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, क्लास इज द करेक्ट आंसर। 18वें प्रश्न पे आ रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज? किसने ये सारी चीजों को पेश किया? HTML ने, PHP ने, CSS ने या Ajax ने? 18वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है बच्चों, 18वां। सभी लोग प्लीज बताइए कि इस तरह की चीजों को बॉर्डर, कलर, बैकग्राउंड, तो आपको देखने से लग रहा होगा ना HTML देता नहीं है ये सब, आप जानते हो HTML के पास इतनी ताकत नहीं है। PHP आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो गई, Ajax से मतलब नहीं आपको। तो बच्चों CSS आपको ये सारे फीचर्स जो लैंग्वेज दे रही है आज की डेट में, उसको क्या बोलेंगे? उसको CSS कहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन लगाइए, CSS का मतलब क्या होता है? बहुत ही क्लियर है, आप जानते हैं, स्टाइल शीट, और वो भी कैस्केडिंग। आप लोग कैस्केडिंग का मतलब जानते हो? कोई भी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैस्केडिंग बच्चों? अगर आपको कुछ पता है तो बता दीजिए। क्या आंसर होगा? चलिए आगे बढ़ता हूं। What is CSS stands for? CSS का मतलब होता है Cascading Style Sheets। नंबर एक is the correct answer। 20वें प्रश्न पे आता हूं। CSS क्या बताता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें का आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? सब लोग बताइएगा। मैं CSS बेटा एक्सप्लेन तो कर दूंगा। CSS क्या है? CSS एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप स्टाइल शीट्स क्रिएट करते हैं। तीन तरीके से CSS यूज होता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसकी मदद से आप अपने HTML के एलिमेंट्स को और बेहतर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। और यहाँ स्टाइल शीट का मतलब क्या है? वो कोड जिसकी मदद से आप अपने HTML के कोड को बेहतर करते हैं। और कैस्केडिंग का मतलब यहाँ क्या है कि अगर हम कोई पेरेंट के ऊपर किसी टैग, किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो चाइल्ड में भी वो सारी प्रॉपर्टीज अपने आप बच्चों अप्लाई होती चली जाएंगी। इसी को कैस्केडिंग कहते हैं, यानी जो इफेक्ट है वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे सबके ऊपर आके क्या होगा? अप्लाई होता जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को कैस्केडिंग कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं इसी प्रॉपर्टी को? कैस्केडिंग, है ना? तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसका यूज आप HTML में खूब सारा आपने किया होगा। CSS के बगैर HTML बेहतर नहीं बनता। प्रश्न वही पूछ रहा है, CSS बताता क्या है? कैलकुलेशन परफॉर्म कैसे होगा ये नहीं बताता। CSS बताता है कि HTML एलिमेंट्स डिस्प्ले कैसे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर दो बच्चों। आइए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, What is the correct syntax for referring to an external CSS? बताइए इसमें से
आपको मैंने कहा तीन तरह का CSS है बच्चों, एक एक तुम्हारा इंटरनल, एक इनलाइन और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS को अगर आपको अपने वेब पेज के साथ जोड़ना है तो करेक्ट रेफरेंस क्या होगा बच्चों, कोई बताएगा? व्हाट इज द करेक्ट तरीका, कौन सा सही तरीका है इसमें से? स्टाइल शीट रेल जैसी कोई चीज होती नहीं, आप जानते हैं स्टाइल रेल कोई चीज नहीं होती, ऑल ऑफ द अबव संभव नहीं है। आप सब लोग बता रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, जो भी आपका है टाइप, जो भी आप टेक्स्ट या CSS और HRF इज इक्वल टू जो आपकी फाइल का नाम है। दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स नंबर वन। आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट है इस प्रश्न का। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 22 की ओर। व्हाट इज ए CSS सिलेक्टर, क्या है? ए CSS सिलेक्टर इज द CSS क्लास नेम। ए CSS सिलेक्टर इज द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन HTML एलिमेंट्स। ए CSS सिलेक्टर इज ए नेम ऑफ फाइल। ए CSS सिलेक्टर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ CSS रूल। इट मे एन HTML एलिमेंट और पैटर्न ऑफ एलिमेंट्स। बताइए भाई, एक दो तीन चार, इसमें से क्या करेक्ट आंसर आपके हिसाब से होगा? प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 पे हूं मैं बच्चों। सब लोग बताइए बच्चों, CSS सिलेक्टर आप कह सकते हैं ये एक रूल होता है या पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम बताते हैं कि हम जो कोड करेंगे वो कितने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। सिलेक्टर मतलब लग रहा है ना चुनाव करेगा, तो CSS सिलेक्टर में पैटर्न या रूल्स का यूज किया जाता है। बहुत प्रकार के सिलेक्टर होते हैं, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर, बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं बच्चों जिनके द्वारा हम लोग इस चीज को हैंडल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा चौथा। आगे बढ़िए, इन ए CSS फाइल There is a CSS rule for paragraphs tag. What does P can be called? P को आप क्या कहा जा सकता है? बताइएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा? What does the P is called? सिलेक्टर कहोगे आप, पैराग्राफ टैग के लिए एक CSS नियम है, फाइल में बनाया गया है, उसे आप क्या कहेंगे? P टैग को। एट्रीब्यूट होगा नहीं, प्रॉपर्टी होगी नहीं, टैग होगा नहीं, सिलेक्टर कहलाएगा। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो गया 1। 24 की ओर आते हैं। इंटरनल स्टाइल्स आर रिटन विद इन, सब लोग बताइए इंटरनल स्टाइल शीट को कैसे बनाओगे? सब लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, किसके अंतर्गत आप लिखते हैं? तो भाई इंटरनल स्टाइल शीट को अप्लाई करना है कैसे लिखते हो? HTML, याद आ रहा होगा आपको, हेड के अंदर स्टाइल, स्टाइल के अंदर अब आप क्या है, जो भी आपको स्टाइल करनी है, सेट करना है, लिखना है, व्हाटएवर, आप उसको बता सकते हैं किसको क्या स्टाइल करना है। भैया सपोज कीजिए आपको बॉडी को करना है तो आप ना कर्ली ब्रेसेस में प्रॉपर्टीज पूरी डिफाइन करते हैं और फिर क्या करेंगे, स्टाइल को बंद कर देंगे और फिर आपका हेड बंद हो जाएगा। ये देखिए यही तरीका है ना। तो यहां पर आपका क्या आंसर सही होगा? पहला, बोलिए भाई, इंटरनल स्टाइल शीट्स को बनाना है तो आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 ही, नंबर 2 नहीं होगा। सुधांशु कुमार जी ध्यान से करिएगा, ध्यान से नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सभी लोग ध्यान पूर्वक करिए और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RGB? RGB का फुल फॉर्म कोई बताएगा आप लोग में से? क्वेश्चन नंबर 25, रेड ग्रीन ब्लैक हो नहीं सकता, रेड ग्रे ब्लैक हो नहीं सकता,
आप दुनिया जानती है रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। क्या आंसर होगा बच्चों? 25 का करेक्ट आंसर होगा तीसरा, रेड ग्रीन और ब्लू। SCMYK, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMYK भाई? 26 नंबर क्वेश्चन। क्रीम मेजेंटा गलत, सियान मेजेंटा येलो ब्लू गलत, सियान मेजेंटा येलो ब्राउन गलत, सियान मेजेंटा येलो ब्लैक। तो प्रश्न नंबर 26 का जो करेक्ट पेयर ऑफ आंसर होगा वो होगा आपका 26 का फोर्थ, सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक। विच ऑफ दीज फॉर्मेट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी? बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मेट है जो आपका ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है? सारे इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं, सारे इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं, जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप है, पीएनजी, याद रखिएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहा जाता है, जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और जेपीजी आप वही है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। बताओ क्या होगा 27वें का? कौन है जो ट्रांसपेरेंसी को सीएसएस में एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा मुझे? प्रॉपर्टी, उसको बच्चों ओपेसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओपेसिटी। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? 27वें का करेक्ट आंसर होगा 2, पीएनजी आपका यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आपका सपोर्ट करता है किसको बच्चों? ट्रांसपेरेंसी यानी वही ओपेसिटी को। फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ कोई बताएगा? अभी मैंने आपको बोला जीआईएफ का फुल फॉर्म, ये इमेज फाइल फॉर्मेट है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरफाइल, ग्रे स्केल इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल। बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आइए आगे बढ़े 29वें प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा फॉर्मेट चेंज नहीं करता इमेज की क्वालिटी को व्हेन द इमेज इज सेव्ड? 29 प्रश्न का क्या उत्तर होगा? कौन सा वो इमेज फाइल फॉर्मेट है जो इमेज क्वालिटी को बिल्कुल परिवर्तित नहीं करता जब वो सेव होती है? TIFF, JPG, PNG या GIF? तो बच्चों 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर है फर्स्ट, TIFF का फुल फॉर्म पता है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो 1 लगाइएगा। और अगले प्रश्न, इनमें से कौन सा इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट? तीसवा प्रश्न, 1, 2, 3, 4 में बताइए कौन सा आपका इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। आपको दिमाग से अगर चलेंगे और उल्टा देखिए तो DPI, डॉट पर इंच होता है ना इसका फुल फॉर्म। द फुल फॉर्म ऑफ DPI इज डॉट पर इंच। तो आपका DPI ही नहीं है, बाकी सब छोड़ दीजिए, लेकिन DPI पे श्योर है कि ये आपका इमेज फाइल फॉर्मेट बच्चों नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं चौथे के बाद, चौथा ऑप्शन के बाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HSB कलर मॉडल? S का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? HSB अरे S का पूछ रहा है HSB में। H का मतलब ह्यू होता है, S का मतलब सेचुरेशन होता है, B का मतलब ब्राइटनेस होता है। तो यहां पर S से एक ही शब्द है, इसमें प्रश्न क्या है? ये तो अपने आप में उत्तर है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस्मत ही खुल जाए, दिमाग ही नहीं लगाना। एक यस और यस का से, अगर चारों यस के ऑप्शन होते तब मैं मानता कि ये प्रश्न है। ये तो उत्तर दिया है सामने, क्यों भाई? उम्मीद है समझ गए होंगे आप। सेचुरेशन। 31 के बाद 32वां प्रश्न, विच कलर मोड इज यूज फॉर प्रिंटिंग? RGB, CMYK, ग्रे स्केल या BMP?
जल्दी बताओ सब लोग, कौन सा यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए? आरजीबी को, सीएमवाईके को, ग्रे स्केल को या बीएमपी को? बच्चों आरजीबी, ग्रे स्केल और बीएमपी प्रिंटिंग में यूज नहीं होता, सीएमवाईके आपका जो फॉर्मेट है ये यूज किया जाता है, किस लिए? प्रिंटिंग के लिए। तो याद रखिएगा 32 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 33, इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग मिशेल स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? इट मेक्स मिशेल स्ट्रॉन्ग, इट हाइलाइट्स मिशेल एज बीइंग स्ट्रॉन्ग, इट विल प्रिंट आउट मिशेल इन बोल्ड फॉन्ट। क्या आंसर देंगे बच्चों 33 का, 33वें प्रश्न का आंसर आप सब क्या देना चाहेंगे, बताइए जल्दी। अरे बहुत क्लियर है, स्ट्रॉन्ग टैग है, ये बोल्ड के जैसे वर्क करता है, तो ये मिशेल को तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, है ना, ये क्या करेगा, हाइलाइट्स भी नहीं करेगा। इट विल प्रिंट आउट मिशेल इन बोल्ड, बीओएलडी, ये जो बोल्ड शब्द दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला ऑप्शन लगाइएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, टेबल्स कैन बी नेस्टेड, बताओ क्या टेबल नेस्टेड हो सकती है एचटीएमएल में, आपने बनाई होगी, जल्दी बताइए, कैन टेबल्स आर नेस्टेड और नॉट, मैं जानना चाहता हूं आप सबसे। होगी, बिल्कुल होगी, ट्रू है, टेबल के अंदर टेबल टैग का यूज करके आप नेस्टेड टेबल को क्रिएट कर सकते हो बच्चों। प्रश्न नंबर 35, इसमें से कौन सा करेक्ट है? बी बी, इसमें ओपन तो है क्लोज नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ओपन तो है क्लोज नहीं है, बी बी ये भी सही है, स्ट्रॉन्ग ये भी गलत है, इसमें दोनों देखिए, देखिए इसमें ओपन है क्लोज नहीं, इसमें ओपन है क्लोज नहीं, दोनों गलत हो गए, इसमें ओपन है क्लोज है, ओपन भी है क्लोज भी है, ये सही है, इसमें क्लोज है और क्लोज है। आपको मालूम होगा ना कि हर कंटेनर टैग को ओपन करते हैं तो क्लोज भी करते हैं। तो तीसरा आंसर लगाते हुए बहुत ही खुशी के साथ आगे बढ़ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू साइडेड टैग, टू साइडेड टैग कौन सा होता है बताओ भाई, 36वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू साइडेड टैग, डीटी, एलआई, डीडी या डीएल? सबसे पहले आप हर टैग के बारे में जान लो, डीटी होता है डेफिनेशन टर्म, ये आपका एक स्पेशल प्रकार की लिस्ट होती है ना, डेफिनेशन लिस्ट, उसमें यूज होता है बच्चों, तो डीटी डेफिनेशन टर्म हो गया, एलआई ये लिस्ट का एलिमेंट बनाता है, डीडी ये डेफिनेशन, ये डीडी और डीएल क्या है, डेफिनेशन लिस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएल। 36 का चौथा लगाइएगा, आगे बढ़ने दीजिए। द ब्राउजर अप्लाइज द फीचर ऑफ ए टैग अंटिल इट इनकाउंटर्स द, क्या इनकाउंटर करता है बच्चों? इसमें कमाल का प्रश्न, 5 ऑप्शन दिया है, पहली बार एमसीक्यू भैया 5 ऑप्शन वाला प्रश्न देखा है मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, 5 ऑप्शन दिया है तो अच्छी बात है, देने दो, हमें तो एक ही जानना है ना। तो ब्राउजर किसी टैग के फीचर को कब अप्लाई करेगा, जल्दी बताओ, तुम लोग जानते हो आप लोग, जब उस टैग का अगर ओपन है तो क्लोज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्लोजिंग आ रहा है ना, इट इनकाउंटर्स क्लोजिंग टैग। तो 37 का दूसरा लगाइए, 37 का सेकंड लगाइए और बढ़ चलिए आगे, 38वें प्रश्न पर आइए। ये प्रश्न रिपीटेड है, ये रिपीटेड प्रश्न है, कोई बात नहीं बच्चों, वो कह रहा है कि एचटीएमएल कोड कंट्रोल करते हैं डॉक्यूमेंट कंटेंट्स, किसको कंट्रोल करता है बताओ, 38वां, टैग्स ही तो हैं, टैग्स, टैग्स आर द एचटीएमएल एलिमेंट्स या कोड्स दैट कंट्रोल अपीयरेंस, अभी मैंने डिस्कस कर दिया टैग को। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट आर द जनरल सिंटैक्स फॉर इनलाइन इमेज, बताइए भैया ये जनरल सिंटैक्स क्या है आपके इनलाइन इमेज का,
आईएमजी एसआरसी बाकी गलत है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, पांचवा गलत, पांच पांच एलिमेंट आ रहे हैं। आईएमजी एसआरसी इज इक्वल टू फाइल यूआरएल जिसे कहते हैं, 40-39वें का चौथा लगाइए और 40वें प्रश्न पर आइए। एन एचटीएमएल टेक टेक्स्ट इन वन फॉर्मेट एंड चेंजेस इनटू एचटीएमएल कोड, कौन है ये काम कौन करता है? 40वां क्यों भाई? चालीसवां का देखिए, एंड HTML टेक्स वन फॉर्मेट एंड चेंजेस इट टू HTML कोड। देखिए एडिटर होगा नहीं, कन्वर्टर जैसा कोई चीज आता नहीं, प्रोसेसर होगा नहीं, पार्सर होगा नहीं, सिर्फ ब्राउजर। बिल्कुल सही आकाश कुमार जी ने कहा, किसका करेक्ट आंसर होगा? ब्राउजर। ब्राउजर ही वो सॉफ्टवेयर है बच्चों जो क्या करता है, HTML के कोड को इंटरप्रेट करता है, चलाता है, एग्जीक्यूट करता है और आपको बच्चों रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सेट आपका समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आपको कुछ अच्छे प्रश्न मिले हैं और आपने कुछ देखा है और जाना है और सीखा है बच्चों। तो बहुत जल्दी मैं फिर आ रहा हूं, आपके सामने उपस्थित होता हूं, कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आइए शुरू करेंगे इसके बाद अपना नेक्स्ट पेपर, वो है हमारा पाइथन। तो पाइथन ए टू पेपर पे मैं आ रहा हूं आपके सामने, ये देखिए पाइथन का सेट लेके, और बस यहीं से शुरुआत करेंगे। तो दो मिनट के इंतजार कीजिए, मैं मिलता हूं आपसे, पानी पी लूं मैं भी, और आप सब भी पी के एकदम रेडी हो जाइए।
वेलकम बच्चों, वेलकम बैक। मैं वापस आपके सामने उपस्थित हूं और अब हम लोग का समय हो गया है कि पाइथन की क्लास का टाइम है, तो शुरुआत की जाए। रंगोली जी, मैं टाइम से ही कोशिश करता हूं आने की, एक आध मिनट पानी पीने में लग गया भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगा। आओ शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न मैंने थोड़ा सा आपके लिए डिस्प्ले किया था, बग क्या है बताओ। बेसिकली बग तो एरर होती है, ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, ए डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर वन बताइए, क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हर प्रकार की एरर बच्चों, कितने भी प्रकार की एरर अगर है, चाहे लॉजिकल हो, चाहे सिंटैक्स हो, चाहे सिमेंटिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बग कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर होगा तीसरा, थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। एरर कोई भी हो, दिमाग नहीं लगाइएगा, वो बग है। आगे चलिए, द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। बच्चों, द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज टू बी डू। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वो हिस्सा या कोड जो बताता है प्रोसेसर को करना क्या है, बताओ उस कोड को क्या कहोगे, ऑपरेशन कोड, एड्रेस कोड, ऑपरेंड या नन ऑफ दीज। तो ऐसा कोड जो ये बताए, बच्चों ऐसा कोड जो ये बताए कि भैया होना क्या है, करना क्या है, किस तरह का एक्शन परफॉर्म होगा, ऐसे कोड को हम लोग ऑपरेशन कोड की संज्ञा देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा एक नंबर। प्रश्न नंबर सेकंड का जो सही आंसर होगा वो वन होगा। अगला प्रश्न पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन इंटरप्रेटर। इनमें से कौन सा इंटरप्रेटर के बारे में बच्चों सही कथन नहीं है, इनमें से कौन सा इंटरप्रेटर के बारे में सही नहीं है, बताइए क्या सही नहीं है भाई। इंटरप्रेटर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम, गलत है। ये कंपाइलर का काम है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट करो। इंटरप्रेटर इज ए काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर एनालिसिस ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड या नन ऑफ दीज। जवाब दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तीसरे का कौन सा कथन सही नहीं है। इंटरप्रेटर एनालाइजेज ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, मेरे हिसाब से दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला मैं नहीं मानता सही। क्यों नहीं मानता, क्योंकि भैया ये जो कार्य है कि सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देना, ये कंपाइलर का काम है, इंटरप्रेटर का काम नहीं है। इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है, आप जानते हैं, और एक एक लाइन को वो ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट होता है। तो पहला नहीं सही होगा, बाकी सब सही है, नन ऑफ दीज तो कोई बात ही नहीं है। वो एरर जिनको कंपाइलर कैन बी पॉइंटेड आउट, बताओ कौन सी एरर को कंपाइलर पॉइंट आउट करेगा, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इंप्लीमेंटेशन या चौथा। प्रश्न नंबर चौथे का बताइए, कौन सी एरर को कंपाइलर पॉइंट आउट करता है, आप लोग बताइए, विच टाइप ऑफ एरर द कंपाइलर बी पॉइंटेड आउट। तो देखो बच्चों, कंपाइलर तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन एरर को करेगा नहीं, सिमेंटिक्स एरर को करता है। देखिए हम सच्चाई बता दे, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा इसमें सिंटैक्स एरर के साथ, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो सिंटैक्स, करेक्ट तो दोनों है एक और दो, लेकिन ज्यादा सही कौन मानूंगा मैं, सिंटैक्स को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कल भी कहा था, आज फिर आपको बता रहा हूं,
कि भैया मेरे ऑप्शंस कई सारे सही लगेंगे आपको, तो उसमें से जो ज्यादा वाला सही लगे कृपया वही लगाइएगा। अंडरस्टूड? तो इसका सही आंसर लगाइएगा वन। प्रश्न नंबर पांचवें पे आ जाओ। इनमें से कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेसर है या ट्रांसलेटर है? बताओ भाई, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या करता है असेंबलर? असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर, ये भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, हाई लेवल से लो लेवल। कंपाइलर, ये भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, हाई लेवल से लो लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? पांचवें का फोर्थ, चौथा। चौथा आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर छह की ओर। देखिए, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन। वही मतलब है कि कौन सा वो प्रोग्राम है जो हाई लेवल से लो लेवल में बच्चों कन्वर्ट करता है। जवाब दीजिए बच्चों। डीबगर करता नहीं, आप जानते हो। एडिटर ऐसा कोई कार्य कर सकता नहीं, नन ऑफ दी अबव का यहां कोई गुंजाइश नहीं। कंपाइलर लगाओ बस, और क्या। कंपाइलर ही वो प्रोग्राम है जो हाई से लो लेवल में बदलता है भैया। प्रश्न नंबर छह पूरा हो गया है, सातवें पे आइए। द नेम गिवन टू ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज, बताओ भाई। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा में लिखा जाए, वो भाषा कोई भी हो सकती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, ताकि आपका कंप्यूटर हमें रिजल्ट यानी परिणाम दे सके। तो इसका सातवें का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हमें रिजल्ट देता है। तो भैया प्रश्न नंबर सातवें का पहला सही होगा, और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर ले चल रहा हूं। प्रश्न नंबर आठ, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर बिना अनुवाद किए समझता है? क्या आप लोग में से कोई बताएगा बच्चों? वो कौन सी भाषा है जिसको कंप्यूटर बिना अनुवाद किए समझता है? कमांड लैंग्वेज हो नहीं सकता, होता ही नहीं है कोई ऐसी लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होती है लेकिन डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझता। असेंबली लैंग्वेज, इसको भी ट्रांसलेट किए बगैर नहीं समझता। तो बचा क्या? मशीन लैंग्वेज। बच्चों मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको आपका कंप्यूटर स्वयं से समझता है, नो नीड ऑफ ट्रांसलेशन। तो चौथा ऑप्शन लगाइएगा प्रश्न नंबर आठ के बाद। नवे प्रश्न पे आ रहे हैं। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग, किसी समस्या को समझने के लिए क्या क्या होगा? नॉलेज बेस जानिए, सब्जेक्ट विषय जिससे प्रॉब्लम आधारित है, कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट। सभी बातें आपके लिए सही हैं। अगर किसी को बच्चों आपको प्रॉब्लम समझना है तो इनमें से कौन सा स्टेप सही होगा बताइए? सारे स्टेप्स, जानना, समझना और कम्युनिकेशन, तीनों मिला दो, ऑल ऑफ द अबव बना दो, नवे का चौथा बना के आगे बढ़ चलो। हाँ भाई, प्रश्न नंबर दसवां। व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम विथ कंप्यूटर, बताइए बच्चों, सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर से तो कौन सा स्टेप सबसे डिफिकल्ट है? प्रश्न ये पूछ रहा है। एक बात जान लीजिए बच्चों, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि प्रश्न को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रश्न को प्रॉपरली समझ लिया तो मान के चलिए कि आपका प्रश्न काफी हद तक सॉल्व हो गया। तो बताइए भाई, समस्या को हल करते समय सबसे कठिन काम क्या है? डिस्क्राइबिंग या कॉस्ट निकालना या टेस्ट करना या इंस्ट्रक्शंस को लिखना? प्रश्न नंबर आपका दसवां है ये।
आपके हिसाब से आपको क्या लगता है सबसे कठिन टेंथ का? डिस्क्राइब करना बहुत कठिन नहीं है, कॉस्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर निकालना ये भी कोई बहुत कठिन नहीं मानता मैं। अब बचा तीन और चार, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन लिखना या टेस्ट करना? क्यों भाई, टेस्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, टेस्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट। क्यों टेस्टिंग मोस्ट डिफिकल्ट कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने कोड तो लिख दिया लेकिन वो कोड सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कब पता चलेगा? जब टेस्टिंग फेज आ जाएगा, यानी जब आप टेस्टिंग फेज को कर लोगे तभी इस बात को जान पाओगे बच्चों की कोडिंग कैसी लिखी है आपने। तो प्रश्न नंबर दसवें का चौथा पे हम जाएंगे और आगे बढ़ता हूं ग्यारहवें प्रश्न के लिए। देखिए समाधान की शुद्धता और उपयुक्तता को बहुत आसानी से जांचा जा सकता है। The correctness and appropriateness of the solution can be checked very easily. किसके द्वारा? Algorithm, heuristic, random या none? 11 नंबर का बताइए किससे जांचोगे? समाधान की शुद्धता को, एल्गोरिथम ही सही तरीका लग रहा है, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है बच्चों। एल्गोरिथम ही एग्जैक्ट सही लग रहा है, एल्गोरिथम के साथ जाइए। 11वें नंबर का एक लगाइए, बाकी 2, 3, 4 से कोई लेना देना लग नहीं रहा है। 12वां प्रश्न, एल्गोरिथम का प्रकार, इनमें से कौन सा एल्गोरिथम का टाइप है? देख के बताइए सब लोग, कुछ टाइप्स लिखे हैं, इसमें से एल्गोरिथम का टाइप कौन सा है? फ्लो चार्ट अलग ही चीज है, सूडो कोड आप जानते हैं डिफरेंट चीज है, कनेक्टर्स फ्लो चार्ट में यूज होता है, तो बचा क्या? ग्रीडी। दो तरीके के एल्गोरिथम्स होती हैं बच्चों, एक ग्रीडी और एक नॉन ग्रीडी एल्गोरिथम, अंडरस्टैंड? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर लगाइएगा 3। थर्ड, डिबगिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग checks the functionality of program, find error from the program, या none of these? 13वां प्रश्न बच्चों बताइए किस लिए यूज किया जाता है डिबगिंग को? डीबग का मतलब क्या है? बग मने एरर और डीबग मने उसको रिमूव करना, तो भैया एरर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। साफ साफ लग रहा है कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, find error from the program। ठीक, तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। 13वां प्रश्न के बाद आइए 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ फ्लो चार्ट के आरंभ में कौन से सिंबल का यूज किया जाता है? कुछ याद है फ्लो चार्ट कैसे बनाते थे आप लोग? बहुत बड़ा हो गया, स्टार्ट याद आया इस टाइप से? ये शेप क्या है, ये कौन सा शेप है? ओवल, ओवल शेप। क्यों भाई, एग्रीड? तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, बाकी देखना ही नहीं है। ओवल पहला, बिल्कुल 100% ओवल इज द करेक्ट आंसर। 14वें का पहला प्रश्न नंबर 15, आफ्टर प्रोग्राम प्लान्स द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम ही शिल बी द नेक्स्ट। प्रोग्राम की लॉजिक हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो क्या आगे करेगा? प्रश्न नंबर है ये 15, भैया बताओ तुम लोग प्रोग्रामर हो आप सब, लॉजिक फाइनल हो गई तो क्या करोगे, कौन सा स्टेप करोगे? अंडरस्टैंड करोगे तुम कि ट्रांसलेट करोगे कि टेस्ट करोगे कि कोड करोगे? सभी लोग बताइएगा, अभी आपने प्रोग्राम बनाया नहीं और टेस्टिंग चालू, खाना बना नहीं और स्वाद लेना चालू हो गया, क्या बात है?
अरे भाई कोडिंग करोगे, क्या करेंगे बच्चों? यू हैव टू कोड द प्रोग्राम। जब कोड करोगे तभी तो टेस्टिंग होगी, डिबगिंग होगी, ये सारा कुछ होगा। तो 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया चौथा। 16वें प्रश्न पे आ जाइए। कोई बताएगा कि फ्लो चार्ट में आउटपुट किससे लिया जाता है? जवाब दीजिए। तो फ्लो चार्ट में आउटपुट को लेने का ये सिंबल है, आई ओ के लिए यूज करते हैं, और ये सिंबल क्या है? ये है, दिख रहा है बच्चों? थर्ड पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट में जो सिंबल हम बच्चों यूज करते हैं उस सिंबल को दुनिया पैरेललोग्राम कहती है, याद रखिएगा। पैरेलल रैम नहीं कहते रंगोली बेटा, पैरेललोग्राम लिख बोलो। सामने लिखा भी है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? आओ आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन को चलाना है, क्या कौन सा कमांड यूज करोगे? प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न आपके सामने है। स्क्वायर प्रोसेस के लिए, जी हाँ रंग राजेश जी सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्क्वायर आपका प्रोसेस के लिए यूज होता है। हाँ भाई कुछ बताएंगे? कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन की फाइल को रन करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रंगोली जी, हो जाता है। बताओ कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन फाइल को रन कराना है, क्या यूज करेंगे? एग्जीक्यूट पाइथन या रन पाइथन या पी वाई या पाइथन और फाइल का नाम? बच्चों बहुत 17वें में मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड पाइथन और फाइल का नाम डॉट पी वाई, प्रयोग करके रन करा सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे जाइए 17 के, और 18वें प्रश्न पे आइए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन? बताओ सब लोग, पाइथन में आइडेंटिफायर क्या होते हैं? कोई बताएगा? आप सब में से कोई मुझे ये जानकारी दे सकता है बच्चों कि आइडेंटिफायर क्या होता है? हाँ? जवाब दीजिए भाई। आइडेंटिफायर का मतलब होता है बच्चों, आइडेंटिफायर का मतलब होता है वो नाम जो किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन, किसी लिस्ट, किसी टपल, यानी पाइथन में जो भी आप क्रिएट करते हो, पाइथन में लिस्ट ही नहीं जो भी आप क्रिएट करते हैं उसका नाम आइडेंटिफायर है। सबसे कॉमन होता है वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम। तो कह रहे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ आइडेंटिफायर की क्या होगी? 16, 32, 79, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन पाइथन में कहीं लिखा नहीं है। तो नन ऑफ दीज इसका लगाइए, 18वें का करेक्ट आंसर लगाइए नन ऑफ दीज, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, यानी 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया चौथा। 19वें प्रश्न की ओर आता हूं, पाइथन के रिस्पेक्ट में सही विकल्प। चलो भैया पढ़ो जरा थोड़ा, चलो अच्छे क्वेश्चन कुछ मिले हैं। Both tuples and list are immutable. बताइए क्या tuples और list दोनों immutable है? नहीं, आप लोग mutable immutable जानते हो? देखिए python में जो data type होता है वो दो तरीके का होता है, एक mutable और दूसरा क्या होता है?
इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब क्या लगाओगे, अनचेंजेबल। याद रखिएगा इस चीज को बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब एकदम क्लियर रखिएगा। तो लिस्ट और टपल दोनों इम्यूटेबल है, गलत है। तुम्हारा टपल तो इम्यूटेबल है, लेकिन लिस्ट तुम्हारा म्यूटेबल होता है, यानी टपल में चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में चेंज कर सकते। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है, टपल्स आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। सही है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, बोथ आर म्यूटेबल, गलत। टपल्स म्यूटेबल व्हाइल लिस्ट म्यूटेबल, ये भी गलत। तो दूसरा वाले को सही लगाइए, और उसके बाद वेरी गुड, रीड ओनली, बहुत अच्छा रंगोली जी, एकदम सही लिखा आपने। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ आपको, जैसे ही ये क्लासेस खत्म होंगी, आपका ये सेट्स सारे चारों खत्म होंगे आईओटी के बाद, आप सबको पीडीएफ भिजवा देंगे आपके टेलीग्राम चैनल ऑल एविल विथ रत्नाकर सर जो बना है, उस पर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और धैर्य पूर्वक थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, ज्यादा देर बचा नहीं है, क्लास समाप्त होगी तो खत्म हो जाएगा। पाइथन भी आधा देखिए पहुंच चुके हैं। तो आओ बच्चों, इसका दूसरा आंसर 19वें का सेकंड लगाना, और 20वें प्रश्न पे आते हैं। बताइए किस डेटा टाइप में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं होते। कल की पीडीएफ भेज दी गई थी, और अगर आप जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बताओ भाई, किस डेटा आइटम में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, जरा बताओ सब लोग। चार विकल्प आपके सामने हैं, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी या नन ऑफ दीज। बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है। लिस्ट में सब अलाउड है, आप डुप्लीकेट आइटम्स रख सकते हैं, लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। डिक्शनरी में आप जानते हैं, डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, डिक्शनरी में बच्चों की होता है और वैल्यू होता है। की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, डुप्लीकेट नॉट पॉसिबल, बट वैल्यू में पॉसिबल है। यानी डिक्शनरी गलत है, ये नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, लिस्ट हो नहीं सकता। सेट बच्चों, सेट वो आपका डेटा टाइप है जिसमें डुप्लीकेट आइटम्स या एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, याद रखना, मैंने बता दिया इसीलिए। हाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, म्यूटेबल होता है, सब होता है। आओ बढ़ो आगे। 21 नंबर, इन पाइथन डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल। आप लोग को क्या लगता है, फॉल्स, पाइथन में डिक्शनरी इम्यूटेबल है, ये गलत है। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। 21 के बाद 22 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताइए सब लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये भी है। पाइथन इज कंपाइल्ड लैंग्वेज, नहीं है। पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, ये भी गलत है। तीन चार तो गलत हो गया, एक दो सही है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सही लगाएं।
कोई बात नहीं भाई, जब से ज्वाइन कर लीजिए तभी से अच्छा, लेट है थोड़ा, कोई बात नहीं। बताओ भाई कौन सा कथन लगाया जाए? दोनों सही है, एक नंबर और दो नंबर। आपकी पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सब लोग बताइए, मैं आपका नंबर एक ही लगाता हूं, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे दूसरा भी गलत नहीं है, इन दोनों में से कोई भी आंसर सही होगा। 22 नंबर के बाद 23 पे आ जाओ। कैन टपल बी यूज्ड एज डिक्शनरी की इन पाइथन? क्या आप टपल को पाइथन में डिक्शनरी की के जैसे यूज कर सकते हो? बताओ सब लोग, क्या ऐसा संभव है कि आप टपल को डिक्शनरी की? हाँ संभव है बिल्कुल। 23 का ए होगा, इसमें इससे ज्यादा टाइम ना दीजिए। 24वें पे आइए। इनमें से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा कोर डेटा टाइप नहीं है? बोलो। टपल तो है, लिस्ट भी है, डिक्शनरी भी है, क्लास नहीं, क्लास इज नॉट अ कोर डेटा टाइप। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या है? सी। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर को अप्लाइड करना है, इनमें से किस पर करेंगे? बताओ भाई, इंटीजर्स पे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स दोनों पे, या नन ऑफ दीज? बताइए 25 का, 25 प्रश्न का उत्तर। क्या मॉडुलस को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे अप्लाई करते हैं? कोई मतलब नहीं है, मॉडुलस हमेशा जो अप्लाई होता है बच्चों वो इंटीजर नंबर्स के लिए। पहला लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही है, 25वें का पहला। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स वाई? एक्सपोनेंट कौन सा होगा पाइथन में? बताओ, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होगा नहीं, ये एक्स डबल एस्ट्रिक वाई, ये मतलब हो गया एक्स की पावर वाई। बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। आओ आगे बढ़ चले। 26 के बाद 27 नंबर। बच्चों डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में अंतर क्या होता है? एक तुम्हारा डिवीजन है, दूसरा तुम्हारा फ्लोर डिवीजन है, दोनों में अंतर बताइए। अगर आप 6/2 कर दो, डिवीजन देगा 3.0। आप 6 फ्लोर डिवीजन 2 कर दो, आंसर आएगा 3। यानी ये जो रिजल्ट देगा वो इंटीजर में देता है और ये जो रिजल्ट देता है वो फ्लोट में देता है, बस इतना अंतर है। तो फ्लोर डिवीजन कौन सा है ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? फ्लोर डिवीजन में जो रिजल्ट आता है बेटा वो ऑलवेज इंटीजर में आता है, क्लियर? आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा इस छोटी छोटी चीजों। 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पाइथन में वरीयता का क्रम क्या है? पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बताओ भाई क्या आप लगाना चाहेंगे? प्रश्न नंबर 28,
क्या लगाना चाहोगे भाई? पहला लगा दो, पहला क्रम ही लिखा हुआ है, पूरा पूरा क्रम ही लिखा है बच्चों। सबसे पहले पैरेंथेसिस, नंबर दो पे एक्सपोनेंशियल, नंबर तीन पे मल्टीप्लिकेशन, नंबर चार पे डिवीजन, नंबर पांच पे एडिशन और नंबर छह पे सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इसका उत्तर क्या आएगा? 22 मॉडुलस 3 का। कोई बताएगा? सभी लोग 29 नंबर प्रश्न को बताओ। बोलो बच्चों, 22 में 3 का भाग दीजिए तो 7 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, शेष कितना बचेगा? रिमाइंडर 1। तो 29वां का करेक्ट आंसर होगा बी, 1 आएगा। आओ भाई, गलतीय संचालन एक स्ट्रिंग पर कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 30। बोलो भाई, क्या स्ट्रिंग पर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता, कंपैरिजन हो सकता है? मैथमेटिकल नहीं हो सकता, आप तुलना कर सकते हैं, इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो 30वें का आंसर होगा बी, फॉल्स। हाँ भाई, ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड इन विच मैनर, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? जब आपके ऑपरेटर्स समान वरीयता के हों तो उन्हें किधर से सॉल्व करते हैं? इस चीज को एसोसिएटिविटी कहा जाता है बच्चों, और जो मोस्ट कॉमन एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट होती है। जो मोस्ट कॉमन होती है वो लेफ्ट टू क्या है? राइट होती है। इसलिए मैं 31वें का एक लेफ्ट टू राइट ए बोलूंगा और आगे बढ़ चलिए। इसको ऐसे समझ लीजिए, सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, या इंटू ना लगाइए, ए प्लस बी माइनस सी करिए। अब बताओ यहां प्लस और माइनस दोनों का वरीयता क्रम सेम है तो पहले कौन सॉल्व होगा? लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा प्लस, फिर कौन सॉल्व होगा? माइनस। तो आइए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ा जाए, 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या आंसर आएगा? 3 × 1 और एक्सपोनेंट 3। कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, 32 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? कोई भी? अरे भाई इसको देखो, पहले ये सॉल्व होगा, हाईएस्ट है तो 1³ कितना होता है? 1 होता है। जवाब दीजिए, 1 × 1 × 3 यानी 1 × 1 × 1। क्यों बच्चों? 1³ 1 हो गया और 1 × 3 3, सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नहीं आएगा यार, 3 3 सी आएगा। 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न पे आइए, पाइथन में कुल कितने प्रकार के लूप होते हैं? कोई बताएगा बच्चों? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर अवेलेबल इन पाइथन? 0 1 2 3। पाइथन में आपका दो लूप होता है, वाइल और फॉर। तो करेक्ट आंसर लगा दीजिए तीसरा और बढ़ चलिए आगे बिना दिमाग लगाए। चौथा, 34वां प्रश्न, किसी कंडीशन को जांचना है, फॉर चेकिंग सम कंडीशन,
बच्चों किसी कंडीशन को जांचना है आप क्या यूज करेंगे? आइटरेटिव नहीं, लूपिंग के लिए होता है। जंपिंग नहीं, दो बार दिया है कंडीशनल, क्या बात है। तीसरा लगा दो चाहे चौथा, अगर ऐसा आ जाए तो क्या बात है भाई, चाहे तीसरा कहो चाहे चौथा, सब एक है। 35, अगर हमें किसी आइटरेटिव स्टेटमेंट को रोकना है तो क्या करेंगे? ब्रेक, कंटिन्यू, पास या ऑल ऑफ द अबव। 35 नंबर का बताओ बच्चों। पैंतीस नंबर। अगर हमें वर्तमान पुनरावृत्ति, नहीं कंफ्यूज मत होइए, ब्रेक से पूरा लूप बंद हो जाएगा, यहां एक स्किप करने की बात कर रहा है, कंटिन्यू यूज होगा बच्चों, बस कह रहा है वर्तमान पुनरावृत्ति को रोकना है। वर्तमान माने अगर अगर लूप में कुछ इस टाइप की चीज है, ये मान लीजिए आई बराबर वन है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, इफ आई बराबर बराबर 5, देन कंटिन्यू ना, अन्यथा नहीं तो। मान लीजिए प्रिंट करना है आई को, और आई बराबर आई प्लस 1, कुछ इस टाइप की चीज है। तो यहां देखो बच्चों, आई का मान 1 है, आई का मान 1 होगा, आई का मान 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जैसे आई का मान 5 होगा, कंटिन्यू आगे नहीं जाने देगा, इसको टॉप पे ले आएगा, यानी 5 नंबर के केस में पुनरावृत्ति को रोक रहा है। तो यहां पर कंटिन्यू सही होगा। इतना क्यों परेशान है रंगोली जी, ये देखिए इंग्लिश वर्जन देखिए, रंगोली यादव, दिख गया होगा आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंटिन्यू। आगे बढ़िए, अभी आईओटी भी कराना है भैया। With which statement you can use break statement? आप कहां पर break को यूज करेंगे iterative statement में? कहां पे यूज करोगे iterative, यानी looping में आप break का यूज करेंगे। 36 के बाद 37वां प्रश्न क्या है? For loop in Python will work on, एक रेंज, दूसरा आइट्रेशन, तीसरा बोथ या नन। तो दोनों के सबके लिए काम करता है, रेंज के लिए भी काम करता है, आइट्रेशन के लिए भी काम करता है, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 37वें का सी। 38वां प्रश्न, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल, होता नहीं, बोथ ए एंड बी लगाओ, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न क्या है? इसमें से कौन वैलिड है? पहला तो नहीं वैलिड है, सी का है, तीसरा भी नहीं वैलिड है, चौथा भी नहीं वैलिड है। क्यों नहीं? क्योंकि ये नहीं लगाया आपने फुल कोलन, दूसरा वैलिड है। देख लो बच्चों, दूसरा वाला आपका वैलिड है, सेकंड, For I in range 0,5 or full colon, this one is correct. और last question आपका बच्चों, in a Python program a control instruction defines program a specific data structure, बिल्कुल नहीं, dictates what happen, बिल्कुल नहीं,
none of the above नहीं होगा. Detect directs the order of execution of statement in the program. बच्चों 40वें का करेक्ट आंसर होगा दूसरा, सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ, ठीक है. तो आशा करते हैं आपको यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद ये आपका पेपर भी समाप्त होता है पाइथन का. तो बस दो मिनट रुक जाइए, थोड़ा थकान हो गई है, पानी पी लेता हूं और फिर आईओटी का पेपर आपका चालू कर देते हैं. ओके, तो मिलते हैं बच्चों छोटे से अंतराल के बाद. वेट कीजिए और मैं आईओटी का पेपर ओपन करता हूं. ये आपका देखिए आईओटी का पेपर आ गया है और आप मुझे बताइएगा इसमें से पहला प्रश्न कौन सा सही है. दो मिनट का इंतजार और फिर मैं वापस आ रहा हूं. वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका. आप कहेंगे कितनी बार मैं वेलकम बैक कर रहा हूं. तो चूंकि मल्टीपल पेपर्स मैं ही सॉल्व करा रहा हूं इसलिए वेलकम बैक अगेन. आइए शुरू करते हैं. आईओटी का पेपर बहुत ही शानदार पेपर है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आज के डेट में आईओटी एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो आपको आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है बच्चों, जिसमें हमारे इर्द गिर्द जितनी डिवाइसेज है सबको स्मार्ट बनाया जा रहा है और वो एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगी. मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. आईओटी पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन थोड़ा मन कर गया आपसे बात करने का. तो वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. मुझे मालूम है कि आप लोग जन्माष्टमी घूमने जाना होगा, मेला देखने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूं. बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए. पहला क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं कि इनमें से कौन आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है. तो फ्लिपकार्ट आपका क्या है भाई? फ्लिपकार्ट तुम्हारा
फ्लिपकार्ट तुम्हारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बाकी सारे आईओटी सेल्सफोर्स माइक्रोसॉफ्ट अजूर या माइक्रो अमेज़न वेब सर्विसेज, ये सब क्या है? ये सब आपका आईओटी प्लेटफॉर्म है। तो चौथा लगाइएगा और प्रश्न नंबर दो पे बढ़ जाइए। इनमें से कौन एप्लीकेशन नहीं है आईओटी का, बताओ भाई। बीएमपी 280, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्रिवन कार। देखो दो तीन चार बच्चों, दो और तीन और चार तो सारे एप्लीकेशन है आईओटी के। स्मार्ट होम में भी होता है यूज, स्मार्ट सिटी आपके इर्द गिर्द आजकल आप देख ही रहे हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स में भी आपका आईओटी इम्प्लीमेंटेशन है 100%। तो बीएमपी 280 एक सेंसर या डिवाइस है जिसमें यूज नहीं होगा। दूसरे का पहला प्रश्न नंबर, तीसरे पे आओ। इसमें से कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है तुम्हारे आईओटी का, है ना बच्चों? इसमें से कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है आपके आईओटी का? सेंसर्स होता है, कनेक्टिविटी और डेटा प्रोसेसिंग होता है, यूजर इंटरफेस होता है, ट्रांसफॉर्मर। क्यों भाई? तीसरे का चौथा, ट्रांसफॉर्मर जो आपका है बच्चों, वो आपके आईओटी का फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं होता। तो तीसरे का चौथा लगाइए और बढ़ाया जाए कोर्स को आगे। फुल फॉर्म ऑफ आईआईओटी, इंडेक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा नहीं, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा नहीं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज की डेट पे बच्चों इंडस्ट्रीज में आईओटी का एक अलग विंग चल रही है, इंडस्ट्रीज स्पेशली इंप्लीमेंट कर रहा है और उस आईओटी इंप्लीमेंटेशन को आईआईओटी यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। चौथे का सही आंसर है। तीसरा प्रश्न नंबर पांच के लिए आ जाओ। वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का यूज किया जाएगा, बताओ भाई। कौन सा प्रश्न है? पांचवा प्रश्न नंबर पांचवा का करेक्ट आंसर दीजिए कि आपको वायरलेस कनेक्शन करना है, कौन सी लेयर होगी आईओटी की, कौन सी लेयर वायरलेस कनेक्शन को हैंडल करती है? मेरे भाई एप्लीकेशन लेयर करती नहीं, नेटवर्क लेयर करती नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी नहीं, इन सब का अपना अपना रोल है। एप्लीकेशन लेयर सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी से संबंधित। तो बेटा बचा कौन सा? डेटा लिंक। कौन सा आंसर होगा इसका? पांचवे का आंसर होगा तीन, डेटा लिंक लेयर। छठवें प्रश्न पे आइए। Which of following is false about IoT component? बताओ। A light sensor is an analog sensor. ये सही है, इसमें क्या गलत है? A microphone is a digital sensor. गलत है, माइक्रोफोन तो साउंड सेंसर हुआ ना, जो आवाज को कैच करता है, और आवाज आपका एनालॉग डेटा है ना कि डिजिटल। दूसरा गलत है। पुश बटन डिजिटल सेंसर है, मानता हूं सही है। कीबोर्ड इज ए डिजिटल सेंसर, मानता हूं सही है, क्योंकि प्रेस करते हैं आप, की स्ट्रोक देते हैं। माइक्रोफोन डिजिटल सेंसर नहीं है। छठवें का दूसरा लगाओ और फट से आगे बढ़ो। सातवां प्रश्न, इनमें से किसको यूज करते हैं फिजिकल वर्ल्ड से डेटा लेने के लिए, कोई बता सकता है आप में से बच्चों? इनमें से किसका यूज किया जाता है फिजिकल वर्ल्ड से डेटा को कैप्चर करने के लिए? सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स? आप जानते हैं एक्चुएटर्स आपका क्या करता है? एक्चुएटर्स बच्चों बोलो, एनालॉग से डिजिटल, या कहे तो मैं, या कहूं मैं कि इलेक्ट्रिकल इनपुट को फोर्स या मोशन में कन्वर्ट करता है, मोटर जिसे कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आप जानते हैं क्या है? ब्रेन, या कहें तो कंप्यूटर इनसाइड द चिप, और माइक्रो कंट्रोलर्स भी लगभग वही चीज है। तो सेंसर होगा सत्वे का पहला। सेंसर ही वो उपकरण है और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है आईओटी का। सेंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट ऑफ आईओटी। कौन सा नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं आप? आठवें प्रश्न पे। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर अमेजन इको आईओटी डिवाइस? अमेजन इको आईओटी डिवाइस को ट्रिगर करने में निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाता है? हेलो सूरी, हे या एलेक्सा? वॉइस कमांड तो एलेक्सा से ही करेगा ना, हेलो से करेगा। सूर्य जैसा कोई होता नहीं, हे ऐसा कोई चीज होता नहीं। तो आठवें का आंसर लगाइए तीन और चौथे। नेक्स्ट आ जाइए नवे प्रश्न पर। बच्चों वाईफाई क्या है आप सब जानते हैं, व्हाट इज वाईफाई? आज के समय में डेटा को ट्रांसफर करना है, वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। आज बहुत सारे लोग अपने घर में वाईफाई राउटर्स लगवा के इंटरनेट की सुविधा को यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो वाईफाई स्टैंड्स फॉर बड़ा क्लियर वायरलेस फिडेलिटी। वाइड होता नहीं, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी होता नहीं, WN फ्लेक्सिबिलिटी होता नहीं। तो नवे का करेक्ट आंसर लगाइए एक और बढ़िए आगे। दसवां नंबर, अलाउज अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कौन करता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नियंत्रण करने की अनुमति कौन देता है? दसवां प्रश्न है आपके सामने। रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, HTTP या MQTT? देखो MQTT और HTTP तो प्रोटोकॉल हो गए, वो ये सब करेंगे नहीं। यहाँ RESTful और API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। कौन करेगा, RESTful या RESTful? पहला लगाइए, RESTful सही लग रहा है। और आगे बढ़ जाइए, MQTT बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है MQTT। ये क्या है MQTT बताओ भाई? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। बताओ इसमें से कौन सही लगाएंगे? मैसेज क्यू टेलीमेट्री थिंग्स गलत, मैसेज क्यू ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री गलत, मैसेज क्यू ट्रांसपोर्ट थिंग्स गलत, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट सही। 11 का चौथा और 12वां प्रश्न आपके सामने है। MQTT is better than HTTP for sending and receiving data. बोलो 12वां क्वेश्चन क्या कहते हो, ट्रू है या फॉल्स? बच्चों 12वां प्रश्न, देखिए IoT environment में MQTT better है HTTP से। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि जो MQTT है बच्चों, जो आपका MQTT है वो आपका जानते हो क्या, लाइट वेट प्रोटोकॉल है और HTTP हैवी वेट है, इसीलिए बेटर है HTTP से। तो ट्रू लगाइए 12वें का पहला। प्रश्न नंबर 13वें पे आ जाइए, ये बताइए कहां पे यूज होता है MQTT? मशीन टू मशीन IoT में, मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, या मशीन थिंग्स में? 13वां प्रश्न कहां पे यूज होगा MQTT? तो बच्चों तुम्हारा जो MQTT है वो मशीन टू मशीन में भी यूज होगा एंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो 13वें का तीसरा प्रश्न सही आंसर लगाइएगा और 14वें प्रश्न पे आ जाइए। कौन सा हल्का प्रोटोकॉल है, MQTT, HTTP, COAP या SPI? 14वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है भैया, बताओ। अभी अभी बताया मैंने, विच वन इज लाइटर? MQTT is lighter. HTTP होगा नहीं, COAP. COAP का फुल फॉर्म होता है Constrained Application Protocol. वो होगा नहीं, SPI होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन लगाइए और 15वें प्रश्न पे आ जाइए। PubNub publishers and subscribers in order to send and receive message. कहाँ पे मैसेज भेजते हैं भैया? कौन सा प्रश्न ये? Which प्रश्न? This is 15वां क्वेश्चन नंबर 15। बताओ भाई, PubNub संदेश और प्राप्त करने के लिए किसकी सदस्यता लेता है? कीज।
चौथा ऑप्शन लगाइए, नेटवर्क अकाउंट पोर्टल होगा नहीं, कीज को लगाओ और आगे बढ़ो। By clicking which key, the PubNub will display public, subscribe and secret keys. किस की को क्लिक करके सार्वजनिक सदस्यता और गुप्त कुंजी को प्रदर्शित करेगा? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, किस की को क्लिक करेगा? डेमो की सेट। डेमो की सेट की को जब आप क्लिक करेंगे तो वो जितनी भी कीज हैं पब्लिक प्राइवेट उन सबको ये क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। अगला प्रश्न आइए, 17वां, इनेबल्स प्रोडक्शन रेडी फीचर टू द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। क्या आंसर होगा बच्चों 17वें का? ऑप्शन आपके सामने है, 17वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। कौन करेगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में? एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनेबल्स करता है प्रोडक्शन रेडी फीचर को। अगला प्रश्न है 18वां, बताओ हाइड्रोलिक सिलेंडर किस क्रिया पर कार्य करता है? पुशिंग पर, लिफ्टिंग पर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। हाइड्रोलिक, आप में से कोई हाइड्रोलिक आप जानते हैं बच्चों? क्रेन्स में, कार की जैक में यूज किया जाता है ये सब। कौन होगा हाइड्रोलिक सिलेंडर्स? तुम्हारा पुशिंग यानी धक्का और लिफ्टिंग यानी उठाना दोनों तरह की चीजों पर कार्य करेगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा 18वें का तीसरा यानी सी। व्हाट इज DS18B20? ये कैसा सेंसर है? बहुत क्लियर कट बात है, सेंसर पूछ रहा है DS18B20 कौन सा सेंसर होगा? प्रेशर, टच, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर? बताओ भाई। तो बच्चों DS18B20 ना प्रेशर है, ना टच है, ना ह्यूमिडिटी है, ये आपका टेम्परेचर सेंसर है। अगला प्रश्न क्यों रहा हो, हमें इनमें से कौन मॉनिटर द एप्लीकेशन? एप्लीकेशंस को एक्सेस और मॉनिटर करने की सुविधा कौन देता है? हाइपरमीडिया, बूट, एंड पॉइंट या एक्चुएटर्स? क्वेश्चन नंबर 20, बोलो भाई। हमें एप्लीकेशंस की निगरानी करने की अनुमति जो देता है वो एक्चुएटर्स कहलाता है। ना एंड पॉइंट होगा, ना बूट होगा, ना हाइपरमीडिया होगा। 20वें का सही उत्तर लगाइएगा, एक नंबर, एक्चुएटर्स। और अगला प्रश्न आइए, दीज आर द डिवाइसेस विच डिटेक्ट, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। बताओ इसका आंसर, वो कौन से डिवाइस है जो अपने इर्द गिर्द डेटा को बच्चों कलेक्ट करती है, रिकॉर्ड करती है? माइक्रो कंट्रोलर है करता है कि सेंसर करता है कि एक्वेटर्स करता है कि नन ऑफ दीज? कौन करता है? सेंसर से तो करेगा ना बच्चों। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर, सेंसर्स, बिल्कुल। आगे बढ़िए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेंसर्स डिफाइन्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फिनोमिनन दैट सेंसर कैन मेजर। बताइए सेंसर का वो गुण जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिनोट करता है। 22 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा उसकी रेंज? बच्चों सेंसर की रेंज क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है उसको डिफाइन करता है सेंसर की रेंज। तो 22वें का तीसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न भी सेंसर से ही संबंधित है, देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंस मिनिमम चेंज ऑफ द मेजर्ड पैरामीटर That causes a detectable change. बताओ भाई, जो भी परिवर्तन हुआ वातावरण की वजह से उसको पता लगाना है तो कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 23, सेंसर का ही प्रश्न है, बोलिए। सेंसिटिविटी,
आपका सेंसर जितना सेंसिटिव होगा, यानी जितना ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उसकी, वो बच्चों जो इन्वायरमेंट में बदलाव होंगे उसको उनसे कम प्रभावित होगा। जितने कम सेंसिटिव होंगे वो उतने ज्यादा होंगे। पहला आंसर क्वेश्चन नंबर 24, वो कौन से सेंसर है जो एक्सटर्नल पावर को, अब बच्चों जिनको जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन से सेंसर हैं? आपको बताया गया होगा दो तरह के सेंसर्स होते हैं, एक एक्टिव और एक तुम्हारे पैसिव। एक्टिव सेंसर्स वो है जिनको एक्सटर्नल पावर या एक्साइटेशन सिग्नल की आवश्यकता है, और पैसिव सेंसर्स वो है जिनको कोई इस तरह के एक्सटर्नल पावर या सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे? अभी मैंने बताई दिया, पैसिव कहेंगे ना, ना एक्टिव कहोगे, ना माइक्रो कंट्रोलर कहोगे, ना रेंज कहोगे। तो भाई साहब आपका 24वें का तीसरा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आइए। दिस डिवाइस अलाउज यू टू प्रोटोटाइप योर आर्डिनो प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग टू परमानेंटली सोल्डर द सर्किट टुगेदर। कौन सा वो बोर्ड है जो बच्चों सर्किट को बनाता है और परमानेंटली बना, नहीं जोड़ना पड़ता, टेम्परेरली कनेक्ट करके ही सर्किट का निर्माण करता है, ब्रेड बोर्ड कहते हैं बच्चों से। आप लोग कोई भी आर्डिनो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पर ब्रेड बोर्ड का अवश्य उपयोग किया होगा आपने। 26 नंबर प्रश्न क्या है भाई? एक बार जब आपकी सर्किट तैयार हो जाए, आप प्रोग्राम को अपलोड करते हैं ना, उस प्रोग्राम को कहते क्या है बताओ भाई? जो आप अर्डिनो के प्रोग्राम बनाते हैं, अर्डिनो आईडी की मदद से एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच। स्केच का एक्सटेंशन कोई बताएगा बच्चों? स्केच का एक्सटेंशन होता है .ino तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्केच। 26 नंबर प्रश्न के बाद 27वां आइए। आईडी स्टैंड्स फॉर, बताओ क्या होगा? आईडी बहुत पॉपुलर वर्ड है, ये आर्डिनो के साथ भी यूज होता है, पाइथन के साथ भी यूज हो रहा है, जावा के साथ भी यूज होता है, C++ के साथ भी यूज होता है। आईडी का मतलब इंटरनल नहीं होगा, इंटर डेवलपमेंट नहीं होगा, इंटरन डेवलपमेंट नहीं होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। याद कर लो मेरे बच्चों, द फुल फॉर्म ऑफ आईडी इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वेरी गुड। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। हर आर्डिनो स्केच के दो फंक्शन मेन होते हैं, कौन सा बताओ भाई? वॉइड सेटअप वॉइड लूप, वॉइड सेटअप वॉइड मेन, वॉइड मेन वॉइड लूप, वॉइड सेटअप वॉइड इवेंट। पहला लगाओ, दिमाग ना लगाओ, बिल्कुल वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। हाँ, ये बात अलग है कि यहां प्रश्न में ये नहीं लगाया। ये लगाना चाहिए था, जैसे आपने सेटअप में देखा वैसे ही लूप फंक्शन में। सेटअप में वो कोड डालते हैं जो वन टाइम रन होता है, और लूप में वो कोड डालते हैं जो मेनी टाइम रन होता है। पढ़ा होगा आपने, निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज आर्डिनो? आर्डिनो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, यही है। तीसरा बहुत अच्छा प्रश्न है। दीपक कुशवाहा जी, नाइलेट ने कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए हम लोग एमसीक्यू ही मान के चल रहे हैं कि आएगा। बाकी तैयारी एमसीक्यू की रखी है, अब आगे का देखा जाएगा, कुछ पता नहीं है, पैटर्न कहीं मेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेसिकली एमसीक्यू से ही है, तो वही मान के चला जा रहा है। अब 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो डू वी हैव? 30वां अच्छा क्वेश्चन है, कितने प्रकार के आर्डिनो हम लोग के पास हैं? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 8।
तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर दो नंबर होगा और 31वां प्रश्न, व्हाट लैंग्वेज इज टिपिकल अर्डिनो कोड बेस्ड, अर्डिनो का जो कोड है वो किस भाषा में हम लोग लिखेंगे बच्चों, असेंबली में लिखोगे नहीं लिखोगे, पाइथन में सवाल नहीं, जावा में कोई प्रश्न नहीं उठता, सी में लिखोगे या सी प्लस प्लस में लिखोगे, इसके अलावा और किसी भाषा में आप बच्चों ये नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 31 का चौथा 32वां नंबर, अर्डिनो शील्ड्स को क्या कहते हैं, अनदर अर्डिनोस नो, एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स नो, एड ऑन मॉड्यूल्स नो, एड ऑन मॉड्यूल्स ही कहते हैं, कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स नो। तो 32 का आंसर लगाइएगा तीसरा, इनमें से सारी बायोमेट्रिक टेक्निक है, रेटिना फेस पाम प्रिंट बैज जैसा कोई चीज नहीं होता। 32वें का एक नंबर लगाओ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमेट्रिक टेक्निक्स एक्सेप्ट, कह रहा है कि इनमें से सब बायोमेट्रिक्स है एक को छोड़कर, तो कौन सा नहीं है, रेटिना भी है, फेस भी है, हथेली का निशान भी है, तो क्या नहीं होगा बच्चों, एक नंबर बैच। तो 32 का पहला लगाइए और 33 नंबर पे आइए, एग्जाम्पल ऑफ गुड पासवर्ड इज, इमेज ऑफ पार्टनर नो, नेम ऑफ पार्टनर नो, वर्ड रिलेटेड टू जॉब और हॉबीज नो, नेम ऑफ चाइल्ड और पेट नो, वर्ड कंटेन्स मल्टीपल रैंडम डिजिट्स। आजकल तो जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो आप सब उसमें कहा जाता है कैपिटल स्मॉल अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल अल्फाबेट सब का कॉम्बिनेशन दीजिए। तीसरा लगाइए, 34 नंबर प्रश्न पे आइए, द डीएस एल्गोरिथम हैज की लेंथ, बताओ भाई डीएस एल्गोरिथम की लेंथ क्या होती है, 34 नंबर प्रश्न, 16 बिट्स, क्या आंसर होगा बच्चों, 34वें का 13, तीसरा होगा 16 बिट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न पे आइए, इफ द सेंडर और रिसीवर यूज डिफरेंट कीज द सिस्टम इज रेफर्ड टू एज कन्वेंशनल सिफर सिस्टम। 35वां, ये क्रिप्टोग्राफी का प्रश्न है बच्चों, दिस इज द क्रिप्टोग्राफी, यस उसे आप कन्वेंशनल सिफर सिस्टम कह सकते हो। तो 35वें का ट्रू लगाइएगा बिना किसी चिंता के, और इसके बाद बच्चों 36 नंबर प्रश्न पे मैं आता हूं, वो पर्सन जो डिग आउट स्टोन फ्रॉम बिल्डिंग एंड रोड्स एंड फॉर लेइंग ए बेड फॉर रेलवे लाइन्स, उन्हें क्या कहेंगे आप, व्हाट डू यू से, क्वेरीमैन माइनर्स डिगर्स या बोथ ए एंड बी एंड सी। 36 नंबर, माइनर्स कहेंगे, करेक्ट आंसर होगा दूसरा, शॉपकीपर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, शॉपकीपर्स किस में आएंगे, मूवर्स में, मैन्युफैक्चरर्स में, हेल्पर्स में, मेकर्स में। 37, बोलो भाई, शॉपकीपर्स को आप मैन्युफैक्चरर्स नहीं कह सकते, हेल्पर्स नहीं कर सकते, मेकर्स नहीं कर सकते, मूवर्स कह सकते हैं, पहला सही होगा। SQ3R टेक्निक फॉर रीडिंग इज गिवन बाय, किसने दिया था बच्चों इस टेक्निक को, प्रश्न नंबर 38 का, बोलो भाई SQ3R टेक्निक को, इसको रॉबिन्सन ने नहीं दिया था, बिलीमेयर ने नहीं दिया था, ब्रेली ने दिया था बच्चों। एक नंबर आप लगाइए 38 का, और बिल्कुल तैयार रहिए अगले प्रश्न के लिए। 39वां प्रश्न, इज द ब्राइटेस्ट स्टार सीरीज अल्फा ब्लैक नन ऑफ द अबव, 39 अल्फा, 39वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 2, और लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेट का बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोप्स इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय, स्पेक्ट्रोस्कोप कौन करता है यू, डॉक्टर इंजीनियर एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोनॉट्स। 40, अरे भाई आला जिसको कहते हैं ना, डॉक्टर ही तो यूज करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40वें का 1।
इस तरह के प्रश्न उम्मीद तो मुझे कम है, बट फिर भी चूंकि सेट में था बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों आपके पाइथन आईओटी वेब के आज के सेट्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ अच्छे प्रश्न अवश्य मिलेंगे और आपका पेपर अच्छे से गुजरेगा। तो बच्चों अभी आप कहीं मत जाइएगा, जस्ट मेरे बाद धीरेंद्र सर आ रहे हैं और वो कुछ क्वेश्चंस और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वेब में। तो प्लीज वेट फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स, स्टार्ट हो रही है नई क्लास। थैंक यू एंड गुड बाय। नमस्कार बच्चों, आपको ये पीडीएफ्स भिजवा रहा हूं मैं, जो आप रिसीव करिए और उसको जरूर देखिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों,
एक बार फिर से अपने परिवार में सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग भाई? बिल्कुल मैराथन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त मैराथन हमारा चल रहा है डियर। और मैराथन के बाद हम लोग डेली नया नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मैराथन की क्लास हम लोग शुरू कर चुके हैं और आपको ये भी पता होगा कि आज हमारी सेकेंड क्लास मैराथन की है और इसमें बहुत सारी चीजों को कंप्लीट हम लोग बताएंगे। कल हम लोग एचटीएमएल चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिए थे, आज मैं आपको दो चार क्वेश्चन बता दूंगा किस टाइप के कैसे आ रहे हैं, उसके बाद सीएसएस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई सबको गुड इवनिंग, बिल्कुल सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टास्क M2R5 में। हमारा टॉपिक तो यही है बाबू, सबको पता होगा, ठीक है। बिल्कुल सबको पता है अब टॉपिक हमारा क्या है, M2R5 पेपर है और टॉपिक आज हम लोग HTML पे थोड़ा बहुत और बात करेंगे M2R5। ओके M2R5 की बात करते हैं और बिल्कुल इस तरीके से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग HTML पढ़ रहे थे। HTML में कल हमने आपको टैग के बारे में बहुत विधवत बताया था। HTML टैग में आपको बहुत सारे टैग मिलते हैं, वो कौन कौन से टैग होते हैं उसी की हम लोग पहचान करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है टैग से, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं फटाफट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टैग की कहानी क्या है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कहानी ये है कि बिना टैग के हम HTML में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी टैग का एक नाम और हमने कल बताया था जिसका नाम था कीवर्ड। क्या नाम बताया था? कीवर्ड, जिसमें विभिन्न प्रकार के टैग आपको मिले थे। बी टैग मिला था, आई टैग मिला था, यू टैग मिला था, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग मिला था और मार्क टैग मिला था। ऐसे बहुत सारे टैग हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग था, सब स्क्रिप्ट टैग था, टेलीटाइप टैग था, ठीक है। फिर आपको हमने बताया था यूएल टैग, ओएल टैग, डीएल टैग, टेबल टैग, ठीक है। ऐसे बहुत प्रकार के टैग आपको मिलते हैं HTML में, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग फटाफट बने रहिए क्लास में और अपने मैसेज को भी करते रहिए, जहां भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो। तो ये तो HTML से क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर हम आपसे कह दें, एक आपका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है जिसे हम लोग एंकर टैग के नाम से जानते हैं, ए टैग। अगर यहाँ कह दिया जाए ए टैग इन HTML इज यूज्ड, ए टैग इन HTML यूज्ड, HTML यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? HTML में ए टैग का उपयोग या प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप लोग क्या बताएंगे भाई? तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर हम ऑप्शन दे दें, अगर हम ऑप्शन आपको दे दें, एड्रेस के लिए, लिस्ट के लिए, लिंक के लिए या नन ऑफ दीज, तो क्या बताओगे तुम लोग? बोलो, तो तुम लोग क्या बताओगे भाई? सिर्फ लिंक के लिए, वेरी गुड, लिंक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ए टैग का प्रयोग लिंक के लिए प्रयोग किया जाता है, लिस्ट के लिए नहीं, लिंक के लिए। ओके, हाइपर रेफरेंस लिंक के लिए, एचआरएफ के लिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, इसको भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जिनको पता हो मैसेज करते रहना भाई,
जिनको पता हो मैसेज करते रहे। ए वेब पेज डिस्प्ले ए पिक्चर, ए वेब पेज डिस्प्ले ए पिक्चर, डिस्प्ले ए पिक्चर व्हाट टैग वाज यूज्ड टू, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। Display that. Display that picture. Option A है, B है, C है और D है। Picture है, image है, IMG है, SRC है। बोलो भाई। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, दूसरा है अगर आपको मान लीजिए वेब पेज में किसी पिक्चर को डिस्प्ले करना है, देखना है, तो किस टाइप का टैग इस्तेमाल होगा, कौन सा टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाबू आशीष सही बताना है, फिर से एक बार पढ़ लो किस टैग का प्रयोग हम लोग करते हैं, जल्दी से बताइए। भाई जितने बच्चे एसआरसी बता रहे हैं सबका ये गलत आंसर है, एसआरसी कभी नहीं होगा। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आईएमजी टैग का प्रयोग किया जाता है, IMG टैग ना कि इमेज टैग। बिल्कुल IMG टैग का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वेब पेज में पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए IMG नाम का टैग प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, जल्दी बोलो। मैसेज यार तुम लोग को नहीं आ रहा भाई, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टैग इंसर्ट, विच टैग इंसर्ट, विच टैग इंसर्ट ए लाइन हॉरिजॉन्टल, ए लाइन हॉरिजॉन्टल, इन ए हॉरिजॉन्टल इन ए वेब पेज, इन ए वेब पेज, इन ए वेब पेज। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी और डी। एचआर है, लाइन है, एचआर है, लाइन है, पीआर है, बीआर है, बताइए। जल्दी बताइए भाई, चलिए बात समझ में आई, फटाफट बताइए
अगर आपको वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन को लाना होता, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ रहे हो ना, अगर इस तरीके से लाइन को लाना है तो आप एचआर नाम का टैग यूज करते हैं, एचआर टैग लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बाबू, बी नहीं। ठीक है, मतलब आपके वेब पेज में कौन सा टैग एक लाइन को हॉरिजॉन्टल में इंसर्ट करता हुआ एचआर टैग, वो क्या है? एचआर टैग है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास की टाइम बाबू बता तो दिया आपका, तो ये मैराथन क्लास 6 से 10 की क्लास की टाइमिंग है और हमारा M2R5 9 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है बाबू शिवम, 9 बजे से हम आपको मिलेंगे। चलिए, द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इन HTML, स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू present content are option A, option B, option C, option D। ए ऑप्शन क्या होगा? टैग्स एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स ओके वैल्यू नन ऑफ दिस, नोट करिए और फटाफट बताइए क्या होगा भाई, फटाफट सब लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। कहां यार तुम लोग एट्रीब्यूट कैसे बता रहे हो बाबू, कहां एट्रीब्यूट होगा? फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लोग हमेशा टैग का इस्तेमाल करते हो कि एट्रीब्यूट का करते हो, बोलो? सब लोग गलत बता रहे हो, हमेशा जब भी कोई चीज फॉर्मेटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। यार भूल गए तुम लोग, बी टैग है, आई टैग है, यू टैग है, ऐसे बहुत सारे टैग हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इस दुनिया में हो भाई तुम लोग, तैयारी नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो मन से। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML, व्हाट should what should be the first what should be the first what should be the first tag in any
एनी HTML डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके चलो फटाफट ऑप्शन देख लो। हेड है, टाइटल है, नोट कर लीजिए ऑप्शन और जल्दी से बताइए। विकास सिंह का भाई ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आपने बताया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तुम लोग कहाँ पे ये बी और ए सब बता रहे हो भाई? शुभम सिंह का सही है HTML, वेरी गुड। शुभम सिंह का सही है HTML सही होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए इस बात को हमने बताया और समझाया, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन HTML में आपको बनेंगे बाबू। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए और पढ़िए इसको, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है? एक क्वेश्चन एक कई बार आया, इसको देख लो। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है? आइए देखते हैं। Which is not a valid, which is not a valid, not a valid extension for HTML. Extension for HTML. Option A. Option A. Dot STM. Dot PHTML. तीसरा है डॉट HTML और चौथा है डॉट SHTML। ओके चलिए भाई, ये सारी बात हमने आपको बताया और समझाया, ठीक है? बताइए कौन सा आपका
इसमें वैलिड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। बोलो भाई। .xml .xml वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही ऑप्शन आपका सही होगा .xml। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने आपको बता दिया। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मिले तो आप बिल्कुल सही करिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं सीएसएस में बात करते हैं। ये टॉपिक तो मैंने आपको इतना समझाया, अब चलते हैं सीएसएस में। नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर आपका 4 होगा। CSS CSS ये क्या है भाई? CSS इसका लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, 6 में 4 आपका सही हुआ, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और किसका भाई कितना सही हुआ, टोटल बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ? क्या नाम है? सीवेश, विवेक, आशीष, विकास, आप लोग नहीं बता रहे कितना सही हुआ। चलो कोई बात नहीं, पहुंचते हम लोग सीएसएस से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। लगभग 4 क्वेश्चन सबके सही हुए। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए फिर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, विवेक का 100%। अच्छा, अभी आप ज्वाइन हुए, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सीएसएस यार, सबसे पहले ये होता है, सीएसएस का पूरा नाम याद रखो, एक नंबर का फुल फॉर्म बन सकता है। सीएसएस का पूरा नाम एक नंबर का फुल फॉर्म बन सकता है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, मतलब आपका कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है इसका पूरा नाम। कैस्केडिंग स्टाइल सीट, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है इसका पूरा नाम। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है पूरा नाम। और इसका फाइल एक्सटेंशन नेम इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .css। फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .css। ओके, नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग नोट करिए भाई। कुछ बात समझ में आई? और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं?
Select the element that are currently enabled. Which of the following selector? Question कैसे बनेगा देख लीजिए. Which of the following selector? Which of the following selector? Select the elements that are currently that are currently that are currently enabled. Currently enabled. ऑप्शन है इसमें कॉलन एलिमेंट नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलन एम्प्टी बटे नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल कॉलन एम्प्टी हो गया कॉलन आपका इनेबल्ड हो गया और डी ऑप्शन आपका होगा नन ऑफ दिस देखिए भाई क्या ऑप्शन सही होगा एम्प्टी नहीं होगा बाबू सी ऑप्शन इसका सही होगा डॉट इनेबल कोलन इनेबल्ड एम्प्टी नहीं होता है ओके नोट कर लीजिए चलो भाई किसी को दिक्कत तो नहीं ऐसे आप लोगों का और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो टॉपिक आप लोग नोट करिएगा टाइप्स ऑफ सीएसएस सीएसएस का प्रकार टाइप्स ऑफ सीएसएस सीएसएस का प्रकार ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे सीएसएस कितने प्रकार का होता है
ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है व्हाट इज सेलेक्टर, व्हाट इज सेलेक्टर। एंड डिफाइन टाइप ऑफ सेलेक्टर। सेलेक्टर किसे कहते हैं और सेलेक्टर कितने प्रकार का होता है, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपका आईडी सेलेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये दोनों को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कल भी क्लास चलेगी, तो CSS से इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और सुनिए, CSS से प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेना। CSS प्रॉपर्टीज इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, कौन से सेलेक्टर में कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाता है, हैशटैग कहाँ लगता है, स्टार कहाँ लगता है, डॉट कहाँ लगता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो आज हमने आपको CSS से सारे टॉपिक को बता दिया। आई थिंक, मुझे पूरा विश्वास है, प्रॉपर्टी जरूर पढ़िएगा। प्रॉपर्टी का नाम मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि टेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है बॉक्स प्रॉपर्टी, तीसरा है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, चौथा है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और चौथा है इमेज प्रॉपर्टी। नोट कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह से सारे प्रॉपर्टी को आपको पढ़ना है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान देके ये सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़िएगा, और इस चैप्टर में बस इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और कल आपको जब हम मिलेंगे तो फ्रेमवर्क की और JS की चर्चा करेंगे, कल की क्लास में, परसों एडिटर और ब्राउजर की चर्चा करेंगे, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उसी पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई रावत जी, पूरा नाम आपका क्या है भाई, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, इतने सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा,
यदि कोई समस्या हो तो हमसे बिल्कुल पूछेगा, और कल के क्लास में फ्रेमवर्क पढ़ेंगे और जेएस पढ़ेंगे, ठीक है। पिछला जितना कल मैंने आपको पढ़ाया था उसको भी रिवाइज करिए अच्छे से। मेन मेन टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है, पढ़कर जाइएगा देख लीजिएगा। वही टॉपिक पढ़ना है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले। टाइम आपका वही 6 से 10, ठीक है, या 9:45 तक मान लीजिए, हमारी लास्ट क्लास रहती है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अपने टाइम से, ओके। सबको टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।